right, guys. चेक, थोड़ा सा साउंड कम कर दे प्लीज. ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार कंफर्म करोगे साउंड ऑडियो वीडियो जो है वो परफेक्ट है, एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे आप लोग, एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे कि ऑडियो वीडियो जो है वो परफेक्ट है गाइज. चेक 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 चेक. अगर आवाज तेज हो जाए तो कम कर देना. चीन थपाक डम डम, यही कर ले तू. क्लास शुरू हुई नहीं, ये कर लो. पहले ये कंफर्म कर दो ना, आवाज आ रही है क्या? संजना, सुरेश, दिव्यांशु, फटाफट बोलो. ऑल कह रहा इको हो रहा. तुमको भी हो रहा क्या इको? आवाज ठीक है? पक्का क्लास शुरू करें? एक सेकेंड यार. श्रीधर, श्री, थोड़ा कम कर देना. और ये ज्यादा क्यों हो जा रहा है अपने आप? चेक चेक चेक. अब मैं जोर से बोलूंगा, ठीक है? चेक 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 चेक. कम कर कम कर. कैसे होता है मेरे को बता दे. चेक अबे. चेक चेक चेक. ठीक है, तू क्या कर रहे है? तू हाथ क्यों लगा रहे है? उसको घुमा. मेरे को नहीं लगता कम हुआ इतनी देर में. मेरे को बता. हाँ अपने कम कर. इससे कम होता क्या? पहला वाला? कम कम कम. ठीक है चेक. ओके थैंक यू सो मच भाई. खड़े रहे. ठीक है ऑलराइट गाइस, आज की क्लास शुरू करेंगे. मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा. स्टार्ट करें. आर यू ऑल एक्साइटेड? हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल. गुड मॉर्निंग गाइस. गुड मॉर्निंग गाइस. गेट बंद कर दे रहे, बाजू वाले आकर डांटेंगे. ऑलराइट गाइस, कैसे हो आप लोग? बारिश में भीगे भीगे पहुंचे हो क्या? हाँ, बाइक में आ रहे थे, अच्छा खासा आ रहे थे, पता नहीं कहां से बारिश आ गई है कि नहीं. बारिश नहीं हुई, जल्दी आके बैठ गया था. चलो ठीक है. ऑलराइट गाइस, मेरी बात सुनो आज ध्यान से. आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? आपके सीए इंटरमीडिएट की जर्नी करने वाले हैं, है कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? तो ये क्या है सर? दिस इज इंटर कोर्स. आई एम सो सॉरी, दिस इज इंटर CA इंटरमीडिएट सिलेबस ऑफ योर ICAI. कैसे आप सब लोग? एक्साइटेड हो? yes. नहीं, क्यों सुस्ती चढ़ी इतनी? सर आदत नहीं है. फाउंडेशन का रिजल्ट आने के पहले दो महीने जो रात को 4 बजे सोए हैं और जो सुबह 10 बजे उठे, शरीर भूल चुका था कि सुबह नाम की भी एक चीज होती है. उसको पता था 3-4 बजे सोते. कौन कौन 4 बजे सोता था? नहीं नहीं, अच्छा 4 मतलब 3 से 6 का रेंज मान सकते हो. हाँ तुम 3 से 6 बजे के बीच में कौन कौन सोता था? अच्छा कौन कौन वो नालायक था जो तब भी समय पे सो जाता था, 10 बजे सो जाता है, 6 बजे उठ जाता है? ये मैं फाउंडेशन एग्जाम के बाद की बात कर रहा हूं. अरे सुनो, सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से दोस्तों. सर फाउंडेशन हो गया, जिनका नहीं हुआ डायरेक्ट एंट्री हो गया, ठीक है? और फाउंडेशन होने के बाद अब तो तुमको अलग रैंक वाली फीलिंग आ रही होगी ना, चाहे तुमको .200 क्यों ना आए हो. बोले हम 15% में है, इतना तो सीए फाइनल का भी रिजल्ट नहीं आता, तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, है कि नहीं? और अब तो हमको पता है फाउंडेशन में 15%, इंटर में 30%, फाइनल में 20%, हम तो पास हो ही जाएंगे. अरे है कि नहीं? ये कॉन्फिडेंस है? बाहर रख दो प्लीज. कॉन्फिडेंस इज गुड, बट दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस विद ICAI इज नॉट गुड. ICAI अगर देख लेगा तो बुरा मान जाएगा, और बुरा मान जाएगा तो प्रॉब्लम है कि नहीं? हाँ कि नहीं सर? यस. अब मेरे को फटाफट एक बार भाई शो फाइंड कुछ चीजें मैं आप लोगों से पूछूंगा, वो आप लोग मेरे को बताओगे, ताकि मेरे को क्लास का एक फील समझ आ जाएगा कि आप लोग कौन कौन कहां कहां से आए हो. मेरे को एक बार ब्रॉडली बताओ कितने बच्चे जो डायरेक्ट एंट्री से आए हैं, और ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी बताना भाई प्रॉपर शो ऑफ हैंड्स, कितने बच्चे डायरेक्ट एंट्री से आए हैं? ठीक है, काफी बच्चे. ऑनलाइन वाले बच्चों, आर्या कह रहे हैं सर नॉट क्लियर.
बच्चे कह रहे हैं वॉइस नॉट क्लियर, ऑनलाइन वाले बच्चे चेक करोगे एक बार, करते हैं राजा पर, अगर सुनाई दे रहा है समझ आ रहा है तो थोड़ा सा आज के लिए बस सहलो, ठीक है। और उदय ठीक है, काफी सारे बच्चे डायरेक्ट एंट्री वाले हैं। अच्छा उसके बाद ये बताओ कितने सारे बच्चे फाउंडेशन में 280 प्लस लेके आए थे, 280 प्लस वाले बच्चे, ठीक है। कितने बच्चे थे जो 300 प्लस थे, बड़े लोग बोल रहे थे, पूछ ले मेरे को हाथ उठाना है। कुछ बच्चे मैं जिनको जानता हूं जिनको 330 340 आए थे, वैसे देख करके सर पूछो ना, अलग से पूछो ना सर 340, मेरे बाजू वालों को पता चलना चाहिए मैं कौन हूं। हाँ चलो गाइस, एक बार हम लोगों के साथ आज जो है आपके और मेरे इनडायरेक्ट टैक्स के गुरु विशाल भट्टर सर हमारे साथ है, तो मैं आप लोगों के तालियों के बीच में, सर आ गए हैं मेरी ताली बजेगी, एक बार स्वागत करना चाहूंगा विशाल भट्टर सर का। सर की आज, सर आ जाओ सर प्लीज, माइक है, चेक 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 हेलो हेलो वेल गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चेहरे बड़े फ्रेश लग रहे हैं सभी के, हाँ तो आज फर्स्ट डे है। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सीए फाउंडेशन क्लियर किया और इस बार का टफेस्ट रिजल्ट था और उसमें भी आपने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया। और मैंने सुना है, क्योंकि मैं लास्ट दिन 10 दिन से तो ज़्यादा ऑफिस आया नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स ने स्कोर भी बहुत अच्छा किया, 280 प्लस या 300 प्लस। सो ये बहुत अच्छी बात है और आपने सीएफ का जो टफेस्ट एग्जाम कही जाती है उसका पहला पड़ाव कंप्लीट किया। सो दोस्तों एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है एंड मुझे पूरा स्वेलिंग है पैर पे, लेकिन सर ने कल मेरी बात हुई, मेरा फर्स्ट डे मैं जरूर आऊँगा। और क्या है, आपके सामने जब खड़ा हो जाता हूँ तो एक अलग एनर्जी आती है, तो आज सबके सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपका फर्स्ट डे है और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यस ये जर्नी आपकी ऐसी ही रहेगी, जैसे आपने सीए फाउंडेशन क्लियर किया वैसे ही आपको इंटर में पूरे मेहनत के साथ पढ़ना है और इंटर में भी अपनी जर्नी जो है सारे को सारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं ओके सबको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, सबको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है ना, क्या यही डिटर्मिनेशन के साथ आए हो, कोई ना बोलते नालायक तो यस बेटा यही डिटर्मिनेशन के साथ आपको सारे क्लासेस बहुत अच्छे से करना है। यस मैं ये भी कहना चाहूँगा वेलकम टू वी स्मार्ट, मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि वी स्मार्ट में हर सब्जेक्ट की बेस्ट क्वालिटी टीचिंग आपको मिलेगी, क्योंकि सीए एग्जाम इंडिया की टफेस्ट एग्जाम है बेटा, जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यानी ये हमारा बीकॉम जैसा एग्जाम नहीं है, बीकॉम में ऐसा होता है जैसे मैंने भी जब बीकॉम दिया था तो अपने एग्जाम के बाद अपने फ्रेंड को पूछता था कितने कितने सप्लीमेंट्स लगाए और कितना लिखा और कितने पेजेस कंप्लीट किए, पर ये एग्जाम बहुत डिफरेंट है। तो आपको पूरी प्रिपरेशन तो अच्छी रखनी पड़ेगी, फर्स्ट डे से ही आपकी प्लानिंग जो है आपको बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी सो दैट कि आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर ना बढ़े। तो इसका पूरा ख्याल रखना है, जैसे टीचर कहता है जो होमवर्क देता है अपना कंप्लीट प्लान आपको डेली बेसिस पे पूरा करना है, ये डेफिनेटली आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। और इंटर में नहीं, मैं पिछले 21 इयर्स से फाइनल लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, 2004 से मैं फाइनल पे पढ़ाता हूँ आईडीटी और इंटर को मैं 2015 से पढ़ाता हूँ। पर दोस्तों आपको बता दूँ सीए एग्जाम ईजी है अगर आपकी स्ट्रेटजी और आपका प्लान बहुत अच्छा है ओके, आप
कितने टैलेंटेड हो, कितनी अच्छी आपकी ग्रास्पिंग पावर है, या कितना आप अच्छे से याद रख सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है सेकेंडरी हो जाती है. जिसमें पेशेंस है, जिसमें डेली अपना प्लान अचीव करने की ताकत है, और जो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से चलता है दोस्तों, वो कह दूँ वो मैं 100% एश्योर करता हूँ वो सीए बन के रहता है. और आपको ये बनना है, आपको डेली बेसिस पे जो भी आपके टीचर कहते हैं वो प्लान पूरा कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए. सो दोस्तों, आप जैसे अभी लॉ जो है आपका स्टार्ट हुआ है, और लॉ जो है हमारे लॉ गुरु बहुत अच्छे आपको पढ़ाएंगे. मैं सर के बारे में कहूँ तो ऑल इंडिया रैंक 4 2018 एग्जाम में रह चुके हैं, और आपको कम्प्लीटली रैंकर्स बेस में ही पढ़ाएंगे. यानी शुभम सर का आपने नाम तो सुना ही होगा. ओके, सुना है ना? हाँ हाँ. तो शुभम सर का नाम जैसा है वैसा आपको पढ़ाएंगे. और यहाँ हर स्टूडेंट, पिछले सर की ये फिफ्थ बैच है ना, तो ये जो है हर स्टूडेंट लास्ट 5 बैच का सर का बहुत नाम लेता है. जिस तरह से सर प्रैक्टिस करवाते हैं, जिस तरह से स्क्रिबल नोट्स जो होती है, स्क्रिबल नोट्स जरूर ड्रॉ करना सर के क्लास में, वो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करती है. और लॉ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन के रहेगा. वैसे जब मैं GST लूँगा वो भी बनेगा लेकिन डेफिनेटली लॉ आपका एक वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा बेटा. और यहाँ पे सर जो डेली आपको होमवर्क देते हैं वो जरूर कीजिएगा. इस बार एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट ने टैक्स में, लॉ में बहुत अच्छा स्कोर किया है. स्टूडेंट्स से जितनी भी आप बात करोगे, और हम कुछ स्टूडेंट से आपको मिलाएंगे, सबका यही कहना है कि जो डेली बेसिस पे जिसने भी अच्छा स्कोर किया है, जो डेली बेसिस पे सर ने कहा हमने किया, ओके, और अच्छा स्कोर किया. तो दोस्तों चलिए, मैं बस इतना आखिरी में कहना चाहूँगा कि वी स्मार्ट में आप हर सब्जेक्ट में एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग लेके जाओगे. जैसे सब स्टार्ट अभी लॉ से हुआ है, उसके बाद में टैक्स रहेगा. टैक्स में आपको कह दूं पहले भंवर सर लेंगे, और भंवर सर के बाद GST जो है, पहले DTO का होता है, और GST आपका अक्टूबर में स्टार्ट होता है. अराउंड 10-15 अक्टूबर DT कंप्लीट होने के बाद आपका GST स्टार्ट होता है. बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों हमारा GST जो है वो अक्टूबर में स्टार्ट होगा, और आपको जो अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है फॉर May 25 एग्जामिनेशन, वो अक्टूबर एंड तक की अप्लीकेबल होती है इन GST. इसलिए आपको नोट्स भी जो है हमारी जब बैच स्टार्ट होगी उसके 10 डेज पहले आपको, अगर आप फेस टू फेस कर रहे हो तो आपको यहाँ मिल जाएगी, और आप ऑनलाइन में होगे तो आपको जो है अकॉर्डिंगली डिस्पैच कर दी जाएगी. सो तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टेड है बेटा, तो आपने भी पूरा अच्छे से मोर डिसिप्लिन में क्लास करना है. जो फेस टू फेस है तो सर तो छोड़ने वाले हैं नहीं, लेकिन ऑनलाइन में भी सर बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं. इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो सर कहते हैं वो डिसिप्लिन में आपको क्लास करना है. सो ओके गाइज, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके अगेन. ओके, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और इसी डिटर्मिनेशन के साथ आपको आगे बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इंडिया की ये टफेस्ट एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है. तो आर यू रेडी? सो थैंक यू सो मच. थैंक यू शुभम सर. थैंक यू सो मच. ओके, एंड ऑल द बेस्ट. ओके बेटा. हाँ, ओके. ओके गाइस, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू, आप समय निकाल करके आए. एंड गाइज, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वन एंड ओनली विशाल भट्टर सर. तुम ऐसे मत देखो रे कि सर कैसे उतर रहे हैं. एक बार तबियत ठीक होने दो, ठीक है? तुमसे तेज नहीं भागे तो बताना. चलो ठीक है गाइज, ऑनलाइन वाले बच्चों, मेरे को लग रहा है आप लोगों को आवाज खराब आ रही है. उसका दो कारण है, एक माइक और दूसरा हमारा गला. ठीक है, तो वो माइक तो फिर भी ठीक हो जाएगा, पर जो बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है आप लोग जरा एक बार चैट पे ओके लिख दो, ताकि मैं ये समझ जाऊं कि हाँ मैं थोड़ा बहुत आज आपको पढ़ा सकता हूं. क्योंकि आप लोगों को जो है आवाज थोड़ी सी अनक्लियर आ रही है, पर मैंने सुना यूट्यूब पे वो मैनेजेबल है. तुमको आवाज क्लियर आ रही है ना? तुमको आएगी ना राजा? चलो ठीक है सर,
ओके ओके ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लिख दिया, मतलब आवाज ओके है, इट्स मैनेजेबल है, आज आज के लिए आप मैनेज कर लो, बाकी कल में और अपना धीरे धीरे हम अरिजीत सिंह बन जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत हो गया, अब हम लोग क्लास शुरू करेंगे बिना किसी बकवास के, बिना किसी बकवास के, प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। क्या पढ़ने वाले हो सर आप लोग मेरे साथ? पूरा नाम भूपेंद्र सिंह जो, अबे पूरा नाम लॉ का बताओ तुम ये इंस्टाग्राम वाले लोग ना, पूरा नाम बोले भूपेंद्र, क्या भैया पूरा नाम क्या है लॉ का? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये सब्जेक्ट जो है आप लोगों का कितने मार्क्स का आता है? कितने? 100। पहले दो अटेम्प्ट पहले फाउंडेशन में आता था लॉ के साथ एक और सब्जेक्ट जिसका नाम था BCR, तो वो सब्जेक्ट के वजह से लॉ का पेपर सबका आराम से एक बारी में निकल जाता था। इस बार BCR क्या हटा, तुम लोगों को लॉ की ताकत समझ आई है कि नहीं? अब सर मेरे को बताओ क्लास में कितने सारे बच्चे जिनका लॉ फाउंडेशन में, जिनको लॉ से डर लगता था या बहुत ज्यादा प्यार नहीं था, कि वन ऑफ द सेकेंड लास्ट या लास्ट सब्जेक्ट में आता था आप लोगों का, ऐसे कौन से बच्चे ढंग से हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, कौन से बच्चे जिनको लॉ जमता था या फेवरेट था? अच्छा ये कुछ जो बच्चे दो तीन हाथ, अच्छा डायरेक्ट एंट्री वाले होंगे, जो बच्चे हाथ नहीं उठा रहे डायरेक्ट एंट्री वाले भी होंगे, ठीक है चलो। ऑलराइट गाइस, मैं चाहता हूं सबसे पहले क्लास शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, लॉ से आप लोगों को फाउंडेशन में डर था या प्यार था जो भी था, उस चीज को आप फाउंडेशन में ही छोड़ दीजिए, इंटर में आप लॉ का जो सिलेबस है उसको एक क्लीन स्लेट में शुरू करेंगे, ना तो आपको इस सब्जेक्ट से अभी प्यार है ना ही आपको इस सब्जेक्ट से अभी डर है, आपको कोई भी इमेज इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि सर हमारे जय सर जो है ना जो काउंसलिंग करते थे वो एक बहुत अच्छी बात बोले थे कि आपका जो 11th 12th में आप जो पढ़ते हो वो आपके फाउंडेशन में काम आता है, पर जो आप फाउंडेशन में पढ़ते हो ना वो बहुत ज्यादा आपके इंटरमीडिएट में काम नहीं आता है, ये समझ लो इंटरमीडिएट इज योर फाउंडेशन फॉर CA फाइनल। क्या बोल दिए सर? इंटरमीडिएट इज योर फाउंडेशन फॉर CA फाइनल। तो हम लोग अभी वापस जीरो से तैयारी शुरू करेंगे, हम लोग जीरो से शुरू करेंगे, हमको नहीं पता लॉ में क्या है, और मैं धीरे 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 समय लगा करके लॉ को आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा, IDT से भी ज्यादा, ठीक है बताना मत बाहर, IDT से भी ज्यादा फेवरेट बना दूंगा, ये मेरा वादा है, बता मत देना जाके सर को शुभम सर ऐसा बोल रहे थे। सुनो गाइस, ऑलराइट आप लोगों ने आज नोट्स लेकर के आए हो क्या? नोट्स वोट्स कुछ लेकर के आए हो? ठीक है चलो सर, क्लास शुरू करने के पहले आप लोग मुझे कितने घंटे सुनने वाले हो? करीबन 160 घंटे सुनने वाले हो, तो एक दो मिनट लगा करके मेरा इंट्रोडक्शन तो बनता है, ठीक है। एक बार मैं बता दूं कि मेरा नाम क्या, मेरा नाम आई एम गेसिंग कि वो तो पता होगा, ऐसा नहीं कि नाम तो सुना ही होगा नहीं, पर यहां बैठे हो तो सुना ही होगा ना। चलो ठीक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैं देना चाहूंगा, ये इंट्रोडक्शन देने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, ठीक है। यहां पे आप देखोगे आपके स्क्रीन पे 10 पॉइंट्स है सर, 10 में से आप लोगों के लिए 5 पॉइंट्स जो है वो सही है और 5 पॉइंट्स जो है वो गलत है। हाँ सर हमने डेमो देखा था, हमको तो सारे जवाब पता है, पर भाई क्या है ना सवाल बदल जाते हैं, डेमो अपना पिछले अटेम्प्ट का पेपर देखने से इस अटेम्प्ट की तैयारी थोड़ी हो जाती है, ये जो चीजें है ना बहुत सारी पिछले वाले भी है पर बहुत सारी नई चीजें भी है, तो सर एक एक करके मेरे साथ शुरू करोगे? ठीक है, आप लोगों को बस हाँ या ना बोलना है। वैसे मेरे को याद आया मैंने 5 सही और 5 गलत की गिनती छूट गई मुझसे, तो कुछ भी हो सकता है, आप लोग अपने हिसाब से बताओ। सबसे पहला सर, आई हैव वर्क्ड एट मुंबई एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में काम करता था भाई मैं, ओए ट्रॉली लेके आ इधर, चल मान लगा मान लगा। हाँ आई हैव वर्क्ड एट मुंबई एयरपोर्ट, यस और नो? कौन कौन बोल रहा है यस? ठीक है, या तो YouTube पे फॉलो करते हो या कुछ इंटरव्यूज देखे हो, ठीक है। सुनो तो मुंबई एयरपोर्ट जो है, हाँ मैं मुंबई एयरपोर्ट में काम करता था, तो जब मैंने CA क्वालिफाई किया ना तो मेरी सबसे पहली जॉब लगी थी मुंबई एयरपोर्ट में, वहां पे ऐसा नहीं ट्रॉली लगाने वाला काम नहीं करता था मैं, वहां पे आई वॉज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द CEO। वट डज दैट मीन? मतलब सर आप उनके लिए खाना लाते थे? नहीं भाई वो भी करता था, पर उसके अलावा आप मेरे, आई वॉज द इंचार्ज। सो वट डज CEO डज? वट इज CEO? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और CFO क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सर जो CA होते हैं ना हम लोग यूजुअली क्या बनते हैं? हम लोग CFO बनते हैं, हम लोग फाइनेंशियल ऑफिसर बनते हैं, पर मैं काम करता था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ जो पूरा बिजनेस संभालता था। तो मेरा काम क्या होता था पता है? काम होता था सामने, जैसे मुंबई में एयरपोर्ट जो है उसके बाहर एक स्टारबक्स का स्टोर था, तो एक दिन CEO बुलाया, बैठे बैठे बोला सुनना वो रेंट जो दे रहा है ना
मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं, पर वो रेंट जो दे रहा है ना वो 20 लाख रुपए का महीने का रेंट दे रहा है, मेरे को 28 लाख रुपए महीने का चाहिए। तो क्यों? बोले प्रॉफिट बढ़ाना है। क्यों? बोले प्रॉफिट का परसेंटेज मेरे को मिलता है तो मेरे को प्रॉफिट बढ़ाना है। अरे पर सर अग्रीमेंट में लिखा है ना 20 लाख रुपया, कहां से देगा 28 लाख? बोले या तो देगा या तो तेरे से लूंगा मैं, लेके दिखा। तू महीने का 8 लाख रुपया मेरे से लेके दिखा दे, मैं भी तो देखूं इतने पैसे हैं क्या मेरे पास। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने तो कह दिया कि भाई मेरे को तो पैसे ज्यादा चाहिए। तो मैं गया, मैं और जो रेवेन्यू हेड थे हम लोग, जो टीम थी पूरी, हम गए, हमने पहले बोला कि भाई आपसे तेरा रेंट 20 लाख के जगह 28 लाख होगा, देना है तो दे नहीं तो जा। वो चला जा रहा था, बोला नहीं दूंगा, कहां से दूंगा 28 लाख रुपए। हमने 3 महीने पूरा दिमाग लगाया, नंबर्स में खेले, हमने देखा कितना प्रॉफिट कमा रहा है, क्या वो मुंबई एयरपोर्ट से इतना प्रॉफिट कमा भी रहा है क्या कि वो हमको 28 लाख रेंट दे पाएगा। हमने पूरा कैलकुलेशन किया कि कितने लोग सामने से जाते हैं, एक जना जब जाता है तो कितने का कॉफी लेता है, ये सब हिसाब लगा के हमको समझ आया बहुत कमा रहा है भाई। तब हमको समझ आया 28 लाख का रेंट तो ये देगा। तो हमने बोला ठीक है, देना है तो दे, नहीं तो जा। तो 2-3 दिन उसने धमकी दी जाने की, उसके बाद उसने बोला चल कोई बात नहीं, मैं 28 लाख का रेंट देने के लिए तैयार हूं। तब मेरे को समझ आया यार ये ना कितना यूनिक काम है, हम लोग जो है कोर बिजनेस का काम कर रहे थे। पर फिर उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट ने मेरे को निकाल दिया। क्यों सर? आपको एक पता है क्यों मैं करता हूं डेमो लेक्चर में ये सब, पता नहीं फंस जाऊंगा यूट्यूब में डाल के, पर तुमको पता है देयर इज अ पर्सन कॉल्ड गौतम अडानी, नाम तो सुना ही होगा, मैंने फील किया है उसको। मेरी बात सुनो, वो हमारे मुंबई एयरपोर्ट में आ गया। अबे ओ फील किया है मतलब हे भगवान, सुबह हो या शाम तुम्हारे सोच में फर्क नहीं आता है कि नहीं? ऐसे नहीं सुबह 8 बजे तो ये लाइन स्किप हो जाए हमसे कि शायद सुबह सुबह कुछ अच्छी बात बोली होगी। नहीं भैया, इमेजिनेशन चालू हो गया। सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आप लोगों का वो गौतम अडानी जो है उसने मुंबई एयरपोर्ट को टेक ओवर कर लिया, और उसने क्या किया पूरे स्टाफ को रीशफल कर दिया। बोले कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वगैरह कोई नहीं रहेगा। तो उसने बोला शुभम तेरे को अभी जाना, उसने मतलब वो मेरे से क्यों बात करेगा, उसके टीम ने बोला तेरे को जाना पड़ेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो मैंने बोला नहीं भाई, फाइनेंस का काम करना है तो अपने पास बिग 4 के ऑप्शंस है, मैंने जो है उसमें रिजाइन कर दिया। बट दिस थिंग हैपेंड एंड आई क्विट माय मुंबई एयरपोर्ट। अब एक एक स्टोरी, एक एक लाइन के पीछे इतनी लंबी लंबी स्टोरी नहीं चलने वाली, बस अभी आंसर टू आंसर, यस और नो में आंसर दे देना, ठीक है? पहला वाला क्या था सर आंसर? इज यस, टिक कर दूं, यस। दूसरा वाला बताओ सर। आई नेवर गॉट रिजेक्टेड इन एनी इंटरव्यू। तुमको लगता है मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो सकता हूं? अरे थोड़ा बुरा लगा मेरे को जिस कॉन्फिडेंस से तुमने हाँ बोला, पर कोई बात नहीं, सह लूंगा मैं। एक बार ये डेमो वेमो बंद हो जाए फिर तुमको बताऊंगा। सुनो मेरी बात, आई नेवर गॉट रिजेक्टेड इन एनी इंटरव्यू, दिस इज रॉन्ग बॉस, नो वन कैन एवर क्रैक एन इंटरव्यू विदाउट गेटिंग रिजेक्टेड। आई वॉज रिजेक्टेड इन इफ नॉट मोर एटलीस्ट 4 to 5 इंटरव्यूज, कम से कम 4 से 5 इंटरव्यूज में रिजेक्ट होता था, कुछ मेरे कैजुअलनेस की वजह से और कुछ जो है वो मेरे अनप्रिपेयर्डनेस की वजह से। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन होता है तो ग्रुप डिस्कशन क्लियर करना एक कला होती है, वो कला सीखने के लिए मेरे को 2-3 कंपनीज का अटेम्प्ट लग गया था। तो भैया आप लोगों को समझना पड़ेगा देयर इज नो चांस दैट एनीवन क्लियर्स एनी इंटरव्यू विदाउट गेटिंग रिजेक्टेड। थर्ड, आई हैव डिग्रीज अदर देन सीए। देखो बात यहां पे थोड़ी अजम्पशन किया जाती है, अगर तुम बीकॉम को डिग्री मानोगे, अगर मानोगे तो है, जो मैं नहीं मानता, पर अगर नहीं मानोगे तो भैया कोई भी डिग्री नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं सर, बीकॉम को डिग्री माने नहीं माने? हाँ, जो तुम लोग नहीं बोल के छुट्टी मारने का प्लान बना रखे हो ना कि सितंबर में 10 दिन, अक्टूबर में 10 दिन एग्जाम लिखने जाना है, ये करना है, तो थोड़ा बैलेंस रखो। या तो डिग्री मानते हो तो पेपर लिखने जाओ, नहीं तो सीए की पढ़ाई कर लो। पर एनीवे तुम लोगों का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होगा सर, बीकॉम के साथ साथ इंटर की पढ़ाई कैसे करें? कौन कौन बीकॉम नहीं कर रहे? बोले एक भाड़ में गया, मैं बीकॉम करूंगा, मी कौन? मेरे को डर लग रहा है, कौन कौन बीकॉम कर रहा है? हे भगवान, हे भगवान, ठीक है कोई बात नहीं सर। 14, आई हैव फेल्ड इन 1 exam इन माई स्कूल। मैं क्यों इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तुम ही लोग मेरे को मेरे बारे में बता दो, ये तो बोल भी दिया सब्जेक्ट। हाँ जी, मैंने 9th standard में मैं बायोलॉजी एग्जाम में फेल हुआ था, क्योंकि उसके पहले रॉकस्टार मूवी आई थी, तो मैंने रॉकस्टार मूवी पहले गया था, कोई मेरे साथ चलने को नहीं था, तो जिस दिन मूवी आई थी उसी दिन शाम को मैं एक दोस्त के साथ गया था और अगले दिन फिर मैं 2-3 और दोस्तों के साथ गया था। तो 1.5 दिन का टाइम मिलता है ना उसमें भी, तो वहां पे मैं 2 दिन लगातार मूवी गया था, तो क्या ही होना था। बायोलॉजी में मेरे को 18 आए, कितने 18 जीएसटी भर के मार्क्स आए, 25 से नहीं भाई, 50 से भी नहीं, 100 में से। हाँ, करना क्या था, पेपर आया घर लेके गया ऐसा करके दिखा दिया,
पापा लोग कौन सा पेज पलटा के देखते हैं? मैंने 18 को 98 कर दिया, पापा भी खुश, ऑफिस वाले स्कूल वाले भी खुश और अपन भी खुश। क्या यार ये सब क्यों बताना होता है? नेक्स्ट पॉइंट सर, आई हैव डन माय आर्टिकलशिप इन डेलॉइट मुंबई। यस ये है सर, मैं चाहता हूँ आप लोगों को ये चीज समझाना कि दोस्त आप लोगों को सीए इंटर बहुत अच्छे से करना है और जितनी आपकी ताकत है ना वो ताकत लगानी है। शायद कम ताकत लगा के आप पास हो जाओगे पर जितनी ज्यादा ताकत लगाओगे ना उतनी ज्यादा अच्छी आर्टिकलशिप मिलेगी और उसी डायरेक्शन में करियर सेट होगा। तो आपको समझना पड़ेगा दैट बिग फोर, नो डाउट बिग फोर सबको नहीं मिलता बट बिग फोर उनको जरूर मिल जाता है जो बहुत अच्छा स्कोर करे अपने पेपर में, यानी कि बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर विद गुड स्कोर, तो आपको बिग फोर जो है वो मिल जाता है। सो यू हैव टू इंश्योर दैट दिस इंटरमीडिएट इज नॉट ओनली गोइंग टू गिव मी मार्क्स, मेरे को ये आगे क्या मेरा पूरा जर्नी डिसाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सर, ये तो पांच यही सही हो गया। नेक्स्ट, आई बिंज वॉच अ लॉट ऑफ नेटफ्लिक्स। देखो इसका जवाब पिछले अटेम्प्ट तक हाँ था पर अभी इसका जवाब ना हो गया, अब थोड़ा समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, बाकी और कमिटमेंट्स आ गए हैं नए नए, तो फिर क्या कहा मैंने, आई बिंज वॉच अ लॉट ऑफ नेटफ्लिक्स, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, आई हैव मर्सिडीज बेंज। कोई मेरे को सुबह आते हुए देखा क्या? मेरे पास किया है, किया सुना है तुमने किया? ठीक है, तो मेरे पास किया है, मर्सिडीज बेंज वगैरह कुछ नहीं है भैया, यहां पर इतना पैसा नहीं देते हैं विशाल सर, थोड़े से पैसे में किया आ जाती है अपनी। ठीक है, पॉडकास्ट वाले चुप हो जाओ। इधर देखो सर, नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा है, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे। पुणे नो, पुणे सर आई बिलोंग टू ओडिशा, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड ओडिशा, वहां पे एक छोटी सी जगह है रायगढ़ नाम का, आई बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। नेक्स्ट, ओरियोस फाउंडर इज माय फ्रेंड। मेरा, अरे सर ओयो का फाउंडर कौन है? रितेश अग्रवाल। वो मेरा दोस्त तो नहीं है बट ही इज अ वेरी गुड एक्विंटेंस। रितेश अग्रवाल इज ऑल्सो फ्रॉम रायगढ़। कहाँ के है वो? रायगढ़ जहां का मैं हूं। मतलब रितेश अग्रवाल जो है वो हमारे स्कूल में मेरे भैया के साथ थे, तो वो उस समय पे घर आते थे, और घर आते थे तो मैं आपको बहुत फनी इंसिडेंट बताता हूँ। वो घर आए थे एक बार, भैया और उसका एक दोस्त और रितेश अग्रवाल, ये तीनों घर आए थे। तो घर आके आप लोग क्या करते हो, जैसे जो दोनों दोस्त थे वो मम्मी के पैर पड़ने चाहिए थे, तो एक दोस्त ने पैर पड़ा, रितेश अग्रवाल पैर नहीं पड़ा, उसको शायद ध्यान नहीं होगा, जो भी एब्सेंट माइंडेड रहता था वो, तो जाने के बाद मम्मी कहती संस्कार नहीं है, पैर नहीं छूता। उसके बाद जब मम्मी को पता चला कि 7 साल बाद कि ये ओयो का फाउंडर बन चुका है, तो मम्मी को तब समझ आया कि अच्छा ये वही है ना। बोले तू भी आज से पैर मत छूना किसी के। बोले आशीर्वाद से नहीं काम हो रहा है लोगों का। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, पर आप समझो ओयो का फाउंडर जो है वो, जी हाँ वो मेरा दोस्त है। इसका मतलब ये नहीं कि सर संडे तो क्लास नहीं है, जरा आप कुछ डिस्काउंट वगैरह बकवास मत करना। ठीक है, वो दोस्त है, उसको मैं मैसेज करता हूं तो वो रिप्लाई करता है हु इज दिस। दोस्त है मतलब एक्विंटेंस है, जब से वो फेमस हो गया तब से हम उनका नाम लेने लग गए। और लास्ट में सर आई एम, ये तुम डेमो वाले चुप रहना, आई एम हैप्पीली मैरिड। क्या बोल रहे हो, हैप्पी नहीं है क्यों, मैरिड नहीं हूं? कौन से पे नो बोल रहे हो? देखो क्योंकि मैरिड होता तो भी ये गलत होता, हैप्पीली मैरिड क्या होता है? हाँ अभी होता है। अरे तुम बैचलर्स लोग क्या बकवास करते हो, मैं भी जब छोटा था ना ऐसी बात सोचता था, फिर जब समय आता गया तो मेरे को समझ आता गया ये सब वहम है। देयर इज नो सच थिंग एज हैप्पीली मैरिड, पर ये सब काम नहीं है मेरा सिखाना। पर सर इसका जवाब है नो, तो मोस्टली हमारे 6 सही हो गए और 4 गलत हो गए, पर ये था मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आज के बाद ऐसा टाइम पास मैं नहीं करने वाला, ये बस एक ऐसा टाइम पास था जहां पे मेरे को आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना था इन एन एंगेजिंग मैनर। तुम ऑनलाइन वाले आवाज 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 कर लो खाली, बाकी बच्चों को कैसे सुनाई दे रहे? ठीक है, ओके चलो गाइस मेरी बात सुनो। ये हो गया सर मेरा इंट्रोडक्शन, अब इसके बाद हम लोग मेरी बातें नहीं करेंगे, अब हम दो चीजों की बातें करेंगे, एक आपकी और एक लॉ की। सर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, प्लीज सर मेरे साथ अपना नोट्स खोलिए, एक फेयर नोट्स खोलिए, एक अच्छा सा नोट्स। हाँ पेपर लाइव, पेपर खोल लो भाई आज। अच्छा डेमो, कितने बच्चे डेमो वाले? क्या देख रहा है डेमो में बता, क्या जज करेगा बता, हिंदी इंग्लिश मराठी? मराठी मत बोलना भे, हिंदी इंग्लिश तक बोल ले। चलो सर डेमो वाले, डेमो वाले, डेमो वाले, जो अगर मैं किसी को अगर हाथ खड़े करने बोलूं या किसी को डांट लगाने बोल दूं तो पहले ही बोल देना हम डेमो वाले हैं। क्या डेमो वालों को डांट नहीं पड़ती? जब तक आप फीस ना भरें तब तक हम कोई डांट, कोई खबरदार तू किसी को पकड़ा है? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मर्जी जो करो तुम लोग। ठीक है अभी मेरी बात सुनो सर, प्लीज अपने नोट्स खोलिए,
क्या आप लोग फेयर नोट्स लेकर के आए हैं? कोई अच्छा सा नोट्स लेकर के आए हैं? हाँ सर, एक नोट्स लाए हैं, उसमें आज चार सब्जेक्ट लिख डालेंगे और ऐसा पांच दिन चलाएंगे, फिर हम डिसाइड कर... अच्छा, आज एक अकेडमी का चार सब्जेक्ट लिख डालेंगे, कल दूसरे अकेडमी का चार सब्जेक्ट, फिर जा करके हम लोग घर में तोलेंगे किसने ज्यादा लिखवाया, फिर तू डन है। अच्छा, कितने बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं ऑलरेडी? अच्छा, मेजोरिटी, तो अपन क्लास आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो सर। सर, मैं चाहता हूं आप लोग अपने नोट्स में सबसे पहले ऊपर हेडिंग में लिखे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, अच्छे हैंडराइटिंग से अपना समझ करके लिखो। हाँ, मिडिल पेज में लिख लो, कोई बात नहीं, बाद में फाड़ के चिपका देना। अच्छे हैंडराइटिंग से लिखो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, चाहे कितना ही रफ नोट्स क्यों ना हो, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। सर, जो आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ है, उसको दो पार्ट में अगर डिवाइड करें तो कौन से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? वाह सर, इतना बेसिक सवाल, रुको जरा, सबर करो। एक हो गया आपका कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा हो गया आपका अदर लॉ, इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, लिख ले। हाँ, एक हो गया कॉर्पोरेट लॉ और एक हो गया अदर लॉ। सर, कॉर्पोरेट लॉ कितने मार्क्स का लिखा है मैंने? 70 मार्क्स। कितना? 70 मार्क्स। सर, ये वही कंपनीज एक्ट है जो तुम 5 नंबर 10 नंबर का समझ करके ऊपर ऊपर से पढ़ लेते थे ना, था ना कुछ बचपन में, सैल्मन वर्सेस सैल्मन, एशबरी वेकेज, हाँ, एमओए, एओए, पढ़े हो कुछ? एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, पढ़े हो? वेरी गुड, थोड़ी देर में पता चल जाएगा मेरे को, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सर, अब कॉर्पोरेट लॉ को दो पार्ट में डिवाइड करो। पूजा कहती है, फॉर गॉड सेक ask your technical team to resolve the issue. Technical team or technical team, for God's sake, resolve the issue. बाबा नहीं कर सकते बाबा, करते तो आज कर देते ना, ऐसा हमारे यहां ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेंगे। गंदी आवाज सुनो तुम, हाँ, गंदी आवाज मतलब, हे भगवान, तुम लोग कहां से आए हो रे? तुम लोगों को मैं बाद में पूछूंगा, बताना तो, ये बहुत सारे लोग जालना जालना से आ रहे थे, सोलापुर से आ रहे थे, मेरे को जानना है कौन सी क्लास की मेजोरिटी है जो ऐसी हरकत कर रही है। पुणे से कितने लोग हैं? लोकल पुणे, हाँ कम है, मतलब बाहर वाले आ रखे हैं। ठीक है, चलो। सर, कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉ, कॉर्पोरेट लॉ को हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होता है आपका कंपनी लॉ और दूसरा होता है आपका एलएलपी एक्ट, एक होता है आपका कंपनी लॉ और दूसरा होता है एलएलपी एक्ट। सर, अगर आप देखोगे, आप लिखोगे भी साथ में, कंपनी लॉ क्या है? कंपनी लॉ 58 से 60 मार्क्स का आपका सिलेबस है। कितने का? 58 से 60 मार्क्स, मतलब ये इतना आपको एग्जेम्पशन दिलाने के लिए काफी। अबे 60 मार्क के क्वेश्चन आएंगे भाई, जब मैं अबे कहूं ना, अगर तुमको लगे ये क्या बात है तो वो समझ लेना, अबे मतलब अ बे, बी ए ई, बी ए ई का मतलब, जो सिंगल लोग बोल रहे हैं ये सब हमको नहीं पता, बोले बिफोर एनीवन एल्स, बाबा बी ए ई मतलब क्या, बिफोर एनीवन एल्स। तो जिसको लगे अबे कैसे बोल रहे, तो तुम समझ जाना क्या बोल रहे, यू आर बिफोर एनीवन एल्स, बिफोर डेमो। ठीक है, सुनो सर, कंपनी लॉ और एलएलपी एक्ट। सर, कंपनी लॉ का वेटेज देखो 58 से 60 मार्क्स का, और एलएलपी एक्ट का वेटेज 10 से 12 मार्क्स का। बेटा बहुत ज्यादा बड़ी लॉटरी लगती है इसमें। अच्छा सुनो, अब अदर लॉ का नहीं लिखो, मैं लिखवाता हूं तुमको, लिख लिया होगा तो कोई बात नहीं, मैं लिखवा रहा हूं, बस बोल रहा हूं, सुनो। सर, अदर लॉ का क्या लिखा आपने? अदर लॉ में क्या क्या चीजें आती है, लिख लिया आपने? सर, अदर लॉ में आपका सबसे पहले आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। वो यहां से चला गया, कहां गया? सीए फाउंडेशन में। सर, हमने भी अपने तक कुछ खास आने नहीं दिया, हम ऐसे साइड हो गए, वो पार होकर के चला गया पीछे, हमने नहीं पढ़ा किसने किसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट छोड़ा था। हाँ, तुम बताओगे क्या? जाओ तो इधर आओ, इधर आओ। वेटेज बहुत ज्यादा था ना, कितने मार्क्स का था? 10 से 12 मार्क्स का। ठीक है सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पहले सीए इंटरमीडिएट में था, उठा करके कहां फेंक दिया इन्होंने? फाउंडेशन में। बदले में इन्होंने सीए फाइनल से किसी को बुलाया, कौन है वो? फेमा। फेमा क्या, फुल फॉर्म क्या है? तुमको तो सब आता है, लिखो सर, फॉरेन एक्सचेंज
मैनेजमेंट एक्ट आपके पास कोई शीट सर्कुलेट होकर के आ रही है उसमें अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना प्लीज. क्यों अटेंडेंस? अच्छा ठीक है सर. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? फेमा. फेमा सर, आपका फेमा जो है ना सीए फाइनल से उठ करके आया है सीए इंटरमीडिएट में. पर अच्छी बात क्या है पता है, सीए फाइनल में अगर 50 पेज का था तो सीए इंटरमीडिएट में उठ करके सिर्फ और सिर्फ 10 पेज आए हैं. मतलब ओनली 20% ऑफ सिलेबस ऑफ फाइनल हैज बीन ब्रॉट इनटू सीए इंटरमीडिएट. तो भैया यहां पे आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसका वेटेज कितना है सर, जिसका वेटेज करीबन करीबन मान लो 10 मार्क्स का है. 12 लिख लो भैया 12. ठीक है, जो किया जो मिडिल पेज में लिख रहे हैं और उसके ऊपर से तुम कर रहे हो कि 10 का 12 करवा दिया, शिट यार. दूसरा सर, दूसरा एक चैप्टर है जिसका नाम है जनरल क्लॉज एक्ट. सर किसने किसने ब्रिज बैच अटेंड किया था? कोई है जिसने ब्रिज बैच अटेंड किया था? ठीक है, बहुत कम बच्चे. सर ये जनरल क्लॉज एक्ट क्या होता है? व्हाट इज दिस जनरल क्लॉज एक्ट? क्या है ऐसा, क्या एक्ट बना है जो जनरल क्लॉज एक्ट है? मतलब जनरल नाम में ही जनरल है, ऐसा क्या है सर? ये एक ऐसा एक्ट है जो बाकी एक्ट्स को सपोर्ट करता है. मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं क्या हुआ था, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर. एक लड़की थी कियारा नाम की. क्या नाम की? कियारा नाम की. प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग केस है. क्या हुआ था मेरी बात ध्यान से सुनना. कियारा नाम की एक कंपनी लड़की थी जो एक कंपनी चलाती थी, सिद्धार्थ लिमिटेड. क्या कंपनी चलाती थी? सिद्धार्थ लिमिटेड. यह कंपनी चलाती थी सिद्धार्थ लिमिटेड. अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, कियारा जो कंपनी चलाती थी सिद्धार्थ लिमिटेड, उसमें वो बहुत सारा घोटाला करती थी, फ्रॉड करती थी. फ्रॉड करती थी मतलब क्या? कंपनी में से पैसे निकाल लेना, कंपनी में जो है गलत इनवॉइसेस रेज करना, बहुत सारा क्या करती थी? फ्रॉड. अब फ्रॉड चलता गया, एक समय के बाद फ्रॉड जो है वो पकड़ में आ गया. और फ्रॉड जब पकड़ में आ गया तो कियारा को लेकर चले गए कहां पे? कोर्ट में. कोर्ट में लेकर के चला गए और वहां पे सर आपके जज साहब ने बोला, पूरा उन्होंने फाइंडिंग्स करी, पूरा उन्होंने केस समझा, क्या फ्रॉड हुआ है, क्या किया कियारा ने, पूरा केस स्टडी निकाला. और उन्होंने देखा कि भैया आपके कंपनीज एक्ट में ना एक सेक्शन है, सेक्शन 447, जो क्या कहता है, जो कहता है इफ एनी पर्सन इज इन्वॉल्व इन फ्रॉड ही शैल बी लायबल. आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस स्क्रीन पे देखो. ही शैल बी लायबल फॉर 3 years जेल. मान लो, मैं रफ चीजें बता रहा हूं, मैं एक्चुअल चीजें नहीं बता रहा हूं. 3 years ऑफ जेल एंड 10 lakh रुपीज ऑफ फाइन. फॉर एग्जाम्पल मान लो क्या लिखा है, पढ़ो ये चीज, पढ़ो क्या लिखा है. इफ एनी पर्सन इज इन्वॉल्व इन फ्रॉड ही शैल बी लायबल फॉर 3 years ऑफ जेल एंड 10 lakhs ऑफ फाइन. अब दोस्तों जज साहब को क्या पता चला कि कियारा ने फ्रॉड किया है, तो जज साहब ने कियारा को क्या बोला, कियारा आपने फ्रॉड किया है एंड यू आर नाउ लायबल, यू विल हैव टू गो टू जेल फॉर 3 years एंड यू विल हैव टू पे अ पेनल्टी ऑफ 10 lakh रुपीज. सर जैसे ही जज साहब ने यह बोला तो कियारा हंसने लग गए. कियारा क्या करने लग गए? हंसने लग गए. बोले यार आप जज हो, आपको लॉ नहीं पता. बोले क्यों, क्या हो गया? मेरे को आप जेल भेज ही नहीं सकते. क्यों सर, लड़की है करके? नहीं भाई, मेरे पे आप पेनल्टी भी नहीं लगा सकते. तो सर जज साहब शॉक्ड, कियारा रॉक्ड. क्यों? बोले क्या हो गया? तो बोले अरे आप लॉ ढंग से पढ़ो, क्या लिखा है, इफ एनी पर्सन इज इन्वॉल्व इन फ्रॉड ही शैल बी लायबल फॉर टू गो फॉर जेल. अरे सर ये लॉ है. लॉ का सबसे पहला रूल क्या होता है पता है? लॉ का सबसे पहला रूल होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन. लिटरल इंटरप्रिटेशन मतलब क्या? मतलब जो लिखा है उसको वैसा का वैसा पढ़ो, अपना दिमाग मत लगाओ. ये लॉ मेकर्स कहते हैं कि हमने जो लिखा है ना वैसा का वैसा पढ़ाओ, अपना इमोशन और अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. तो उस हिसाब से क्या है सर, इफ एनी पर्सन इज इन्वॉल्व इन फ्रॉड ही शैल बी लायबल. कियारा कहती आई एम नॉट ही, आई कैन प्रूव इफ यू वॉन्ट. अरे वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएगी, तुम क्या सोचे? तुम के मैं बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएगी, तुम क्या सोच करके यहां से? हाँ क्या
आधार कार्ड, ठीक है, सुनो मेरी बात सर। तो मैंने क्या कहा, ये यहां पे ही लिखा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर। अब कियारा जो है वो तो सही कह रही है, पर सर जब ये कियारा का ये बोल करके जब हंसना बंद हुआ, अब जज साहब ने हंसना शुरू किया, बोले लॉयर कौन मैं कि तू, तुम अपना काम करो ना, जाके जेल में 3 साल बैठो ना, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। माना कि यहां पे ही लिखा है, पर यहां पे अगर आप जनरल क्लॉज एक्ट में जाओगे ना, वो कहता है कि जब हम जेंडर कहते हैं ही, तो ही इंक्लूड शी, जहां पे भी हमने ही लिखा है, ही विल बाय डिफॉल्ट इंक्लूड शी। मतलब सर आप जेंडर स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बना रहे, हम जो है जेनेरिक प्रोविजन बना रहे हैं, और यहां पे कहीं ही लिखा है तो शी इंक्लूडेड है। तो इस हिसाब से अब कियारा क्या करेगी, जेल जाएगी, ठीक है सर, एक चोट पड़ गई, 3 साल जेल जाकर के वापस आई कियारा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज सर, आगे की कहानी, कियारा के पापा है सर और एक उसका भाई है और एक कियारा है, ठीक है। सर बात यह हुई थी कि जायदाद का बंटवारा होता है, जायदाद का बंटवारा होता है, तो सर एक एक्ट है जिसमें लिखा है कि अगर किसी इंसान की डेथ हो गई तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, एक्ट में लिखा है उसके मेल डिसेंडेंट को। ये पुरानी बात कर रहा हूं मैं, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे लड़का और लड़की बराबर हिस्सा लेते हैं पापा की जायदाद पे, पर पहले के जमाने में क्या होता था, अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो पूरी प्रॉपर्टी मेल डिसेंडेंट को जाती थी। तो अब कियारा ने जेल से वापस आ गई, उसके बाद जब बंटवारा का टाइम आया तो पूरा प्रॉपर्टी उसका भाई हड़प लिया, क्यों, क्योंकि सर मेल डिसेंडेंट लिखा था। तो कियारा वापस चले गई कोर्ट और उसने क्या बोला, सर आपने बोला था ही इंक्लूड्स शी, इसका मतलब मेल इंक्लूड्स फीमेल, तो आप आपको प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरे को भी देना पड़ेगा। जज साहब ने बोला लॉयर कौन मैं कि तू, मैं ना, तो मेरी बात सुन, तेरे को इसमें प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों सर, क्योंकि जब लॉ ने मेल डिसेंडेंट लिखा है तो लॉ का क्लियर इरादा था लड़का कि मेल डिसेंडेंट मतलब लड़के को मिलना चाहिए, यहां पे तुम मेल इंक्लूड्स फीमेल नहीं बोल सकते, इतना जेनरिक नहीं चल रहा है। मतलब सर यहां पे कहने का मतलब है लॉ की दादागिरी है, जहां उसकी मर्जी वो ही में शी मिलाएगा, जहां उसकी मर्जी नहीं है वहां वो मेल में फीमेल डिसेंडेंट नहीं मिलाएगा। और सर लॉ ने क्लियरली मेल डिसेंडेंट लिखा है ना, लॉ ने एनी पर्सन लिखा क्या, देखो ही इज अ वेरी कॉमन वर्ड, बट मेल डिसेंडेंट लिख रहा है मतलब कुछ सोच करके ही लिख रहा है, तो इस तरीके से लॉ को डाइल्यूट नहीं करेंगे। मतलब सर जनरल क्लॉज एक्ट जो है ना वो एक बैलेंस लाता है, वो आपको क्या करता है, वो आपको सपोर्ट करता है बाकी एक्ट के साथ साथ, ताकि जनरल क्लॉज एक्ट जो है वो आपको बचा सके। लास्ट में एक चीज सुन लेना सर, आप लोगों ने कंपनीज एक्ट पढ़ा है, सेक्शन 3 कंपनीज एक्ट का सेक्शन 3 पढ़ा है, ठीक है, एक लाइन बोलूंगा पढ़ा है क्या बताना, कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने, कंपनी में भी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस। लॉफुल पर्पस मतलब क्या सर, मेरा काम है कि मैं जो है टीचिंग का ये है, अपना टीचिंग है तो मैंने टीचिंग के लिए कंपनी बनाई, इट इज अ लॉफुल पर्पस, यू कैन वेरी वेल डू इट। पर सर हमारे मैंने क्या किया, मैंने कंपनी बनाई, मैंने उसका नाम रख दिया मर्डर करो लिमिटेड। क्या नाम रखा मैंने, मर्डर करो लिमिटेड। कंपनी का काम क्या, अबे खाना थोड़ी खिलाते होंगे, मर्डर करो लिमिटेड मतलब क्या, सुपारी लेते होंगे कि तुम आओ पैसा दो, किसको उठवाना है बताओ। अब सर मैंने कंपनी बना ली, किसी ने जाके केस कर दिया कि ये कौन सा लॉफुल पर्पस है, ये तो पूरा इलीगल बिजनेस है। और मैं पहुंच गया कहां, कोर्ट में। तो कोर्ट में जब मैं पहुंचा तो मैंने क्या बोला कि सर आपने क्या कहा था, ही इंक्लूड शी, सर वैसे ही आप लोगों का लॉ एक बार पढ़ो, वहां पर लिखा है मे इंक्लूड्स शैल, आप लोगों का लॉ पढ़ो जनरल क्लॉज एक्ट, वहां पे क्या लिखा है मे इंक्लूड शैल। पर मैंने क्या बोला सुनो, मैंने बोला सर कंपनी मे बी फॉर्म्ड एज लीगल पर्पस लॉफुल पर्पस, मे का मतलब क्या सर, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, तो मैंने बोला आपने बोला लॉफुल पर्पस के लिए भी कर सकते हो, मैंने समझा इलीगल पर्पस के लिए भी कर सकते हो, तो मेरी कंपनी जो है वो एकदम सही है। पर सर कोर्ट ने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका जो मे है इट मींस शैल, जहां हमारी मर्जी पड़ेगी वहां मे को शैल पढ़ेंगे, जहां हमारी मर्जी पड़ेगी वहां पे हम शैल को मे पढ़ेंगे। वैसे ही सर आगे इन्होंने बोला जहां हमारी मर्जी पड़ेगी वहां पे हम और को
एंड पढ़ेंगे, जहां हमारी मर्जी पड़ेगी वहां हम एंड को और पढ़ेंगे। इसका मतलब खुल्लम खुल्ला दादागिरी कि भैया हमने लिखने को लिख दिया, पर आगे चल करके तुम ये छोटे छोटे शब्दों के लिए हमको परेशान नहीं कर सकते। मतलब सबसे ऊपर क्या रखना पड़ेगा सर? सबसे ऊपर रखना पड़ेगा लॉ के इंटेंट को। इंटेंट मतलब क्या सर? ये पहले लाइन में लॉ का इंटेंट क्या है बताओ मेरे को। लॉ मेकर चाहते हैं गलत काम के लिए कंपनी मत बनाना, तो उस इंटेंट को जस्टिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको मे को शैल समझ करके पढ़ना पड़ेगा। और ये सारी बातें कहां पे लिखी है सर जो मैंने कही? ये सारी बातें कहां पे लिखी है? द वन एंड ओनली चैप्टर जनरल क्लॉज एक्ट, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड येट स्कोरिंग इट इज वर्थ 8 मार्क्स। कितने मार्क्स का आता है सर? 8 मार्क्स, विच इज 2 स्कोरिंग, वेरी स्कोरिंग। ठीक है, ओके मैम, समझे। थर्ड पॉइंट सर, लास्ट चैप्टर क्या है? iOS बोला किसने? कौन बोला iOS? फुल फॉर्म क्या है? एप्पल वाला iOS? कौन सा वाला iOS? क्या है लास्ट चैप्टर? इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। सर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या मतलब? मतलब सर आपने पूरा फाउंडेशन में लॉ पढ़ा 100 मार्क्स का, आने के बाद आपने सीए इंटरमीडिएट में पहले पूरा पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ा, फिर एलएलपी एक्ट पढ़ा, फिर फेमा एक्ट पढ़ा, फिर उसके बाद जनरल क्लॉज एक्ट भी पढ़ लिया, और लास्ट में आके आपको ये बताएंगे लॉ पढ़ते कैसे हैं। लास्ट में आकर के आपको बताएंगे लॉ को पढ़ा कैसे जाता है। अगर इसको अभी पढ़ लोगे ना तो लॉ को पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो अभी हम लोग इसको कब पढ़ेंगे सर? एकदम आखिरी में पढ़ेंगे। और इसका वेटेज कितना है? ये भी आपका 8 मार्क्स का आता है। मतलब लगभग लगभग सर, एक ऑडली बोलूं तो आपका अदर लॉ कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स। और कॉर्पोरेट लॉ कितने मार्क्स का आता है? 70 मार्क्स। मतलब सर मैं आपको एक बात बताऊं क्या, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल एक्ट था ना, तब आपका वेटेज, तब आपका इतना बड़ा सिलेबस फील होता था, क्योंकि 8 मार्क्स का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ रहा है, 8 मार्क का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ रहा है, और इतना मोटा मोटा चैप्टर था उसका। अब वो हट गया है ना और फेमा आ गया है ना, तो सिलेबस कैसा हो गया पता है? सिलेबस नंबर पेजेस में कम हो गया है और क्वालिटी में बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्वालिटी में जब आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा यार कुछ तो हेवी कॉन्सेप्ट है, कुछ तो मजा आ रहा है, कुछ तो हम प्रैक्टिकल रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ रहे हैं। अरे समझे क्या आप? ठीक है सर, अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं जो आप लोगों के बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। सबसे पहला, ऑनलाइन वाले बच्चों, आपका लेक्चर जो है वो 5 दिन तक यूट्यूब पे होगा। कल से आपका लेक्चर ऐप पे भी शुरू हो जाएगा, मतलब आप ऐप पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और 5 दिन के बाद जो है मोस्टली पूरा ऐप पे शिफ्ट कर जाएंगे। सर सवाल, कितने डेमो होने वाले? 5 की 10? ऑनलाइन 5 का प्लान है। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे शिफ्ट नहीं हो पाते ऐप में, तो हमको आगे खींचना पड़ता है, पर फेस टू फेस बहुत ज्यादा इतने सारे डेमोज नहीं होने वाले। फेस टू फेस आई गेस मैक्सिमम 5 डेमो होने वाले हैं। सर अब सबसे पहला सवाल, व्हाट मटेरियल्स डू यू नीड? आपको क्या क्या लगेगा सर? मेरे तरफ से क्या मिलेगा और आपको क्या क्या लगेगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपको मेरे तरफ से बस ये 2 किताब मिलेगी। कितनी किताब? ये 2 किताब। ऑनलाइन वाले बच्चों, आपकी बुक्स परसों डिस्पैच हो चुकी है, आपके पास 2 से 3 दिन के अंदर पहुंच जाएगी। तब तक मैं अज्यूम करके ही चल रहा हूं आपके पास किताबें नहीं है, और जो फेस टू फेस वाले बच्चे हैं तुमको 2 से 3 मिनट में मिल जाएगा। अगर तुम नीचे जाकर के ऑफिस में ले लोगे, बुक्स जो है वो आ चुके हैं और आप नीचे से ले सकते हो। सर ये 2 बुक्स क्या है? आपको पता है क्या कौन से 2 बुक्स मिलते हैं? सुने हो, पूछा है। सर सबसे पहली किताब है हमारी लॉ समराइज्ड, ठीक है, जिसमें सर हम लोगों के 100 मार्क्स जो है वो पूरे के पूरे 200 पेज में खत्म हो जाते हैं। सर क्या ये बुक काफी है? क्या हमको ICAI मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा? हम फाउंडेशन में बहुत ज्यादा ICAI मॉड्यूल पढ़ते थे सर, कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए बहुत मजा आती थी। आपको CA इंटरमीडिएट में लॉ के लिए ICAI मॉड्यूल को हाथ लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो आपको मेरे तरफ से समरी बुक मिलेगी, जो समरी बुक बस नाम की है, ये पूरा डिटेल बुक, इसको पढ़ लिया ना तो ये भी बहुत हो गया, इसको पढ़ लिया तो भी बहुत हो गया। सर क्या आप मेरे को खुला हुआ नहीं है क्या? एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ जी सर, अगर इसको पढ़ लिया तो भी बहुत हो गया। यहां पे आप देख सकते हो आपका जो चैप्टर है वो इस तरीके से बना हुआ है, पूरा डिजाइन है, कलर कोडेड है, और आप देख सकते हो सारे कीवर्ड्स रेड में हाईलाइटेड है।
राजा आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा, 200 पेज में एक सिलेबस कैसे खत्म हो सकता है? तो मैं आपको हमेशा ये बताता हूं, ये आप लोगों के लिए 200 पेज है, मेरे लिए एक दिन में एक पेज बनता था। जब हम क्या करता था, पूरे मॉड्यूल को पढ़ करके उसको पूरा नोट्स में समराइज करता था और उसको खुद से वर्ड फाइल में टाइप करता था। जब तुमने नोट्स में लिखा तो वैसे ही वो समरी बन गई, फिर से टाइप किया तो दूसरी बार समरी बन गई, फिर ये डिजाइन होती है। तो ये जो है ना, ये एक एक पेज एक एक दिन दिन लग के बने हैं। तो ये करीबन पिछला आधा साल तो पूरा इस बुक को बनाने में गया है, और इसमें मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूं आईसीआई मॉड्यूल का पूरा कवरेज है। पर सर हम माने क्यों, हम क्यों माने? बिल्कुल नहीं मानने की जरूरत है। जब हमारा चैप्टर 1 और 2 खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको आईसीआई मॉड्यूल खोल करके सारी चीजें दिखा दूंगा कि देखो हमने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा कि आप लोगों ने ये पढ़ लिया। तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया मेरा जो है पूरा आईसीआई मॉड्यूल का कवरेज इसमें है। और आप देख सकते हो इसमें सारी चीजें। एक खास बात आपको बता देता हूं इस बुक में आपको ये डिजाइन दिख रहा है, क्या लिखा है यहां पे? 2। सर ये बुक आपके क्वेश्चन बैंक से लिंक हो जाती है, मतलब ये बुक में जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो आपके पास हैंडी है क्वेश्चन नंबर, और दूसरा फायदा यह है जब आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू गो थ्रू कर रहे हो, आप देखो जब ऊपर से पढ़ रहे हो तो ये सब में कोई भी इस क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो आपको पता है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते आते जब यहां पे दिखा तो आपको समझ आ गया कि ये वाला पोर्शन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपका रिविजन जो होता है वो क्या हो जाता है, और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो ये आपका समरी नोट है सर। दूसरी किताब आपको क्या मिलेगी राजा? दूसरी किताब आपको मिलेगी मेरी क्वेश्चन बैंक। इस बार कुछ हर बैच में कुछ तो कुछ नया करते हैं सर अपन। इस बैच में बुक्स में क्या नया किया है वो मैं आपको बता दूं, इस बार की क्वेश्चन बैंक जो है वो पूरी पूरी कलर कोडेड है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में सारे कीवर्ड जो है वो आपके रेड में हाईलाइटेड है। सर तो ये क्वेश्चन बैंक क्या है राजा? 2018 में नया सिलेबस आया था। अभी जो नया सिलेबस आया ना, वैसे 2018 में आया था, तो उस समय जब नया सिलेबस आया था ना, तो उस समय से लेकर के अभी तक के सारे क्वेश्चंस आरटीपीस के एमटीपीस के एग्जाम के वो सारे क्वेश्चन यहां पे एक जगह इकट्ठा कर लिया गया है। इसके बाहर ना आपको आईसीआई का बनाया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मॉड्यूल का क्वेश्चन भी इसमें इकट्ठा कर लिया गया है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको मर्ज कर दिया। और उसके बाद क्या किया सर, ये जो आंसर है ना राजा, जैसे आपने देखा हेडिंग रेलेवेंट प्रोविजन है, आईसीआई ने हेडिंग्स लिखना अभी शुरू किया है आज से 2 अटेम्प्ट पहले, पर उसके पहले आईसीआई इस तरीके से हेडिंग नहीं लिखता था। ये क्वेश्चन कब का है सर? मई 2018 और मई 2019। क्या तब आईसीआई इस तरीके से लिखता था? बिल्कुल भी नहीं लिखता था। पर मैंने क्या किया, आईसीआई का पूरा लैंग्वेज उठाया, कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद मैंने इसको रेलिवेंट प्रोविजन एनालिसिस और कंक्लूजन पैटर्न में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए। दिस इज एग्जैक्टली हाउ योर आंसर शुड लुक इन द एग्जाम। दिस इज एग्जैक्टली हाउ योर आंसर शुड लुक इन द एग्जाम, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। पर सर इसके लिए हमको लगेगा बहुत ज्यादा समय। और मैं आपको मजे की बात बता दूं, यहां पर जो लैंग्वेज है ना वो पूरा बेरैक का लैंग्वेज होता है, क्योंकि आईसीआई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल सी कंट्रोल वी। क्या मतलब सर? क्वेश्चन तो डाल देते हैं, आंसर क्या करते हैं, जाते हैं बेयर एक्ट उठाते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं, फिर उसको भेज देते हैं अपने सारे एग्जामिनर को कि बेयर एक्ट जैसा लिखा है तो मार्क्स दे देना, नहीं तो आधा काट लेना। अरे मशीन है क्या, नहीं कर सकते सर हम। तो इसीलिए ना यहाँ पे प्रॉपर पॉइंटर्स में डिवाइड किया गया है ताकि आपको एक फ्लो समझ आए और आप उसको रिटेन कर सको और रिटेन करके लिख सको। तो ये क्वेश्चन बैंक पे बहुत मेहनत हुई है, ये दो चीजें आपको मिलेगी। और इसी क्वेश्चन बैंक में सर आपको एक और चीज भी मिल जाएगा, एमसीक्यूज। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन बैंक के एंड में मैंने ये एमसीक्यू बुकलेट चिपका है, जिसमें वापस से पूरा आईसीआई का आरटीपी एमटीपी वो सारे एमसीक्यू जो है इकट्ठा करके मैंने यहां पे डाल दिए। हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन आया, आपने सुना एमसीक्यूज को लेकर, क्या सर? आईसीआई जो है आज से पहले तक एमसीक्यूज रिलीज नहीं करते थे ऑफिशियली। तो क्या होता था, अनऑफिशियली लीक हो जाता था, तो फालतू हो सब लोग चिल्लाते थे कि क्यों नहीं लीक हो गया, किसको दिया जा रहा है। तो अब उन्होंने बोला जाओ भाई हम लोग तो नहीं संभाल पा रहे, हम लोग क्या कर देंगे उसको ऑफिशियली दे देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझने के लिए इनको लग गए थोड़े 4-5 अटेम्प्ट, पर कोई बात नहीं, आईसीआई है, अटेम्प्ट तो कॉमन होता है ना। तो इनको अभी लग गया टाइम, अभी क्या करेंगे सर, आईसीआई का एमसीक्यूज भी आएगा तो वो हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे और यहां पे आप लोगों के अपडेट भी मैं कर दूंगा, पर आप लोगों को वो सारी चीजें मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत थोड़ी सी तो है।
ठेका ले रखा वो पूरा टेंशन का, तुमको भी थोड़ा सा लेना पड़ेगा। पर सर ये आपकी बुक्स हो गई, आपको क्या बुक्स बनानी है सर बताओ, आप लोग क्या बुक्स बनाओगे? हाँ जी सर, आप लोग लेके आओगे दो नोट्स, सबसे पहले तो एडमिशन कराओगे, उसके बाद आप क्या लेके आओगे? दो नोट्स। सर वो दो नोट्स में एक नोट्स जो होगा वो आपका फेयर नोट्स बनेगा, क्या बनेगा? फेयर नोट्स, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस नोट्स, दूसरा क्या बनेगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस नोट्स। या तो आप दो अलग अलग नोट्स बना लो, या फिर आप एक काम कर सकते हो एक ही नोट्स बना लो, आगे से ये करना फेयर नोट्स और घुमाया और पीछे से क्वेश्चन मार्क, ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लास में भारी भड़कम लेकर के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन वाले तुम क्या है, तुमको तो साइड में रखना है और इधर से निकालना है, तो तुम जितने ही कॉपी बना लो। पर सर फेयर नोट्स क्या होगा? फेयर नोट्स, आप लोगों को लॉ में एक प्रॉब्लम होती थी क्या, लैंग्वेज की, कि यार थोड़ा और मतलब मैं सोच अच्छा ले रहा हूं पर लिख अच्छा नहीं पा रहा हूं, ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम क्यों होती थी सर? क्योंकि हमने कभी लॉ के कीवर्ड्स पे फोकस नहीं किया उस तरीके से जैसा हमको करना है। एक चीज सोचो, बेसिक इंग्लिश आती है आप लोगों को? कोई चीज सोच रहे हो तो बेसिक इंग्लिश में लिख पाओगे? तो जब लॉ पढ़ लिया तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में क्यों नहीं लिख पा रहे हो? क्योंकि सर आप जो सोच रहे हो ना वही आपको सेंटेंस बना के नहीं दे रहे, मतलब आपके दिमाग में इतने वर्ड्स ही नहीं है कि आप उसका प्रॉपर लॉ का सेंटेंस बना सको। इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है हमारे दिमाग में कभी वो शब्द गए ही नहीं। तो आप कैसे जाएंगे सर? अब बहुत मल्टीपल तरीके से जाएंगे, वो क्या होगा कैसे होगा वो सब मैं आपको बताऊंगा, पर अभी आप समझ करके चलो फेयर नोट्स में हम बहुत प्यार से अच्छे हैंडराइटिंग से पूरा का पूरा लॉ लिखेंगे। मेरे पास ये मेरी फेयर नोट्स है, आप लोगों को ऑनलाइन वाला आपको दिखेगी नहीं, पर इस तरह की मेरी फेयर नोट्स है। ये पूरा जो नोट्स है ना ये आपका क्लास में बनेगा, ऑनलाइन वाला आपको मैं अलग से दिखा दूंगा, पर इस तरह का एक पूरा नोट्स आपका क्लास में बनेगा जहां पे आपको हर चीज जो है बताई जाएगी लिखाई जाएगी। और लास्ट में अगर आपको लगा यार मेरा ना समरी बुक से रिविजन नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, इसको साइड में रखना, अपने हैंड रिटन नोट्स उठाना, अपनी हैंडराइटिंग से पढ़ने में मजा आता है ना सर? अरे अपनी हैंडराइटिंग से पढ़ने में मजा आता है ना, बस आपका वो रिवीजन होकर के हो जाएगा। ये हो गया सर आपके बुक्स को लेकर के क्वेरी। राइटिंग प्रैक्टिस होगी क्या क्लास में? होगी बिल्कुल, वन ग्रुप या बोध ग्रुप उसमें मैं अभी नहीं जाने वाला, मैं ये अजम्पशन पे चल रहा हूं आप लोग सारे बच्चे जो है वो लोग बोध ग्रुप की ही तैयारी करेंगे। मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरे हिसाब से वन ग्रुप या बोध ग्रुप इज नॉट इवन एन ऑप्शन एनीमोर। पहले के जमाने में जब 8 सब्जेक्ट होते थे ना, पहले के जमाने मतलब वो भीड़े भाई के जमाने में नहीं, भीड़े भाई के जमाने वो नहीं, अभी अभी आज से 2 अटेम्प्ट पहले जब 8 सब्जेक्ट होते थे ना तब बच्चा सोचता था कि 4 लिखू कि 8, अब तो है ही कितने 6। तो एक और बोध ग्रुप का अपने आपके लिए ऑप्शन ही मत रखना कि अगर एक ग्रुप हो गया तो सेकेंड ग्रुप नहीं भाई, हो जाएगा अपने को क्या है, अपने लिए 2 ग्रुप है ही नहीं, अपने लिए आंख बंद करके बोलो 6 सब्जेक्ट है। There is no group one, group two. There are straight away 6 subjects which we have to clear. Next, sir, sample notes अगर आपको मिल जाएगा, और ये मैं आपको नहीं बताने वाला, जाने दो, ठीक है सर। एक चीज मैं चेक कर लूं, रुक जाओ। गेम नहीं खेलने बैठ रहा हूं भाई, एक सेकेंड रुक जाओ। सर एक चीज, एक सेकेंड रुक जाओ, गिव मी 30 सेकेंड्स। जाने दो, चलो सर। एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए फाउंडेशन का एक क्विज बना के आया था, बट वो प्ले नहीं हो रहा था सुबह से, मैंने सोचा एक और बार ट्राई कर लूं, वो प्ले नहीं हो रहा है, बट उसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिखे थे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, कि भैया कितना अपन ने फाउंडेशन में पढ़ा है
और कितना अपन ने तुक्का मारा है, पर कोई बात नहीं, वो मैं आप लोगों का कल टेस्ट कर लूंगा। कहां जाने वाले हो तुम लोग? ठीक है, नहीं सर हम वहां जाएंगे। सुनो सर, अब मैं आ जाता हूँ आप लोगों के सिलेबस पे। अब हम लोग जो चीजें पढ़ेंगे वो आप लोगों के पूरे पूरे सिलेबस से रिलेटेड है। सर आप लोगों ने लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया, कॉर्पोरेट लॉ और अदर। सर ये अदर लॉ जो है ये हम लोग बाद में उठाएंगे, हम लोगों का अदर लॉ और LLP एक्ट से अगले एक महीने तक कोई लेना देना नहीं है। हम लोग इसको अभी बिल्कुल भी नहीं लाएंगे बीच में, अभी हमारा पूरा फोकस एक ही जगह पे है जो क्या है आपका कंपनी लॉ। क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो कि कंपनीज एक्ट क्या होता है? व्हाट इज कंपनीज एक्ट? अच्छा चलो ये बताओ कितने सेक्शन होते हैं कंपनीज एक्ट में? कितने, किससे ही बोल रहे हो? कितना? 470 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। और आप अपने CA इंटरमीडिएट में कितना पढ़ने वाले हो? सर आप CA इंटरमीडिएट में 470 के जगह 148 सेक्शंस तक पढ़ोगे, और उसके अलावा एक फॉरेन कंपनी वाला पार्ट है। आप यहां पे ऐसा चाहो तो फॉरेन कंपनी लिख सकते हो, पर जहां आपने कंपनी लॉ लिखा उसके नीचे प्लीज लिखो 148 प्लस फॉरेन कंपनी। ठीक है, किसी ने कहा 128 नहीं था, जब 148 तक पढ़ेंगे। ठीक है, अब सर लिखो मेरे साथ प्लीज, चलो अपने नोट्स में। सर सबसे पहले आप एक बात बताओ, सर आपने बोला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉर्पोरेट लॉ, फिर आपने उसके अंदर ये बोला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट। तो मेरा आपसे एक सवाल है राजा, ये लॉ और एक्ट में फर्क क्या होता है? ये बोलो, लॉ इज अ ब्रॉडर वन, ये बाजू वाला हंस रहे जरा, हाँ एक्ट इज अ, लॉ इज अ ब्रॉडर वन, बस इतना ही कहना है। किसी और को थोड़ा ढंग से बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? लॉ में पूरा अमेंडमेंट्स वगैरह आता है, ठीक है, एक्ट क्या होता है? एक्ट पार्लियामेंट में ला सकते हैं, बट सुनो सर मैं आपको बताता हूं एक्ट और लॉ में क्या फर्क होता है, सुनना ध्यान से। सर अगर देखो अभी क्लास में बहुत सारे बच्चे, तो हम लोगों को लगा कि यार क्लास को ना मॉनिटर करना है, क्लास को क्या करना है, क्लास को मॉनिटर करना है, तो हमको ना क्लास को मॉनिटर करने के लिए एक लॉ बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? लॉ। हमने बोला क्यों, लॉ का पर्पस क्या है? क्लास को मॉनिटर करना। तो सर हम जितने भी टीचर्स थे हम लोग बैठे, सुनना मेरी बात ध्यान से, हो हम लोग जितने भी टीचर्स थे हम लोग बैठे और हमने बोला यार क्लास को मॉनिटर करने के लिए ना कुछ कुछ चीजें हमको लिखनी पड़ेगी। वो सारी चीजें हमने लिखी और उसको हमने नाम दे दिया एक एक्ट, जिसका हमने नाम दे दिया मान लो मॉनिटरिंग एक्ट। ये किसने बनाया है? सर ये सारे टीचर्स ने मिल करके बनाया। अब सर एक बात बताओ, क्लास को रोज रोज एक टीचर चलाता है कि टीम भी इंपॉर्टेंट है? टीम भी इंपॉर्टेंट है, कभी ज्यादा बच्चे आ गए तो क्या करना है? उसके लिए तुम टीचर को थोड़ी कॉल करोगे, थोड़ा पावर तो टीम को भी देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक्ट में ही लिख देते हैं कि कुछ पावर जो है हम टीम को दे दे रहे हैं, कि क्लास में कितने बेंचेस होने चाहिए टीचर नहीं डिसाइड करेगी, टीम डिसाइड करेगी। तो ये हम कैसे बनाते हैं बताएं? इसके लिए कुछ रूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? रूल्स बनते हैं जो हम लोग नहीं, टीम अपने आप बनाती है, पर हमने टीम को पावर दे दी कि तुम लोग रूल्स बना सकते हो। अब सर आप समझो, हमने बनाया एक्ट, एक्ट में हमने पावर दिया टीम को और टीम ने बनाया रूल्स, और जब हम ये सारी चीजें मिला देना तो मिला करके क्या बनता है पता है? मिला के बनता है एक ऐसा लॉ जो किस चीज के लिए हेल्प करता है? क्लास को मॉनिटर करने के लिए हेल्प करता है। तो लॉ एक ब्रॉडर वर्ड है, लॉ एक जनरल वर्ड है। लॉ मतलब क्या कि भैया हमारा लॉ बनाना है क्लास को मॉनिटर करने के लिए, बट उसके अंदर क्या होता है? एक्ट्स होते हैं, उसके अंदर रूल्स होते हैं, और भी चीजें होते हैं। सुनो क्या होता है सर, एक्ट होता है, रूल्स होता है, सर्कुलर्स होते हैं, कुछ आपके केस लॉज होते हैं। केस लॉज क्या होते हैं सर? आपने बचपन में पढ़ा है सैलमन वर्सेस सैलमन इज द केस लॉ। क्या बोलता है सर वो केस लॉ? कॉर्पोरेट व्हील, कंपनी अलग और उसके शेयर होल्डर अलग अलग एंटिटीज होते हैं। तो भैया ये चीज लॉ में कहीं नहीं लिखी है, ये कहां पे लिखा है? केस लॉ में लिखा है, और वो केस लॉ पढ़ना जरूरी है।
अगर आप कंपनीज एक्ट समझना चाहते हो तो आपको ये केस लॉ पढ़ना जरूरी है, और ये सारे चीजों को मिला करके क्या बनता है आपका, कॉर्पोरेट लॉ. सो यू सी, लॉ इज अ ब्रॉडर वर्ड एंड एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ. लॉ इज अ ब्रॉडर वर्ड एंड एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ. तो सर ये सारी चीजें मिला करके क्या बनता है लॉ. ये जो छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया, ये बना लो तुम अपने नोट्स में. आपने हेडिंग डाला कॉर्पोरेट लॉ वर्सेस कंपनीज एक्ट. कोई है जिसने मेरे साथ साथ लिख लिया था? ठीक है सर, समझे? सर क्या कहा मैंने, आपका जो कंपनी कंपनीज एक्ट और कॉर्पोरेट लॉ में क्या फर्क होता है. अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा मेथड सिखाना चाहता हूं जो आप लोग मेरे साथ साथ सीखोगे. आज तक सर हमारे पढ़ने का अप्रोच क्या रहता था, आज तक हमारे पढ़ने का अप्रोच रहता था कि हम देख रहे और हम सुन रहे और उसके बाद सर कॉपी करने का टाइम देंगे तो हम कॉपी कर लेंगे. अब हमारा अप्रोच बदलेगा. अब हमारा, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है सर, सुनते सुनते खो जाते हैं, देखते 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 आंख खुली रख के सो जाते हैं, ऐसा हुआ है कभी? हाँ. तो भैया अब उस चीज देखो, भैया देखो समथिंग यू विल हैव टू एक्सेप्ट. एक तो सुबह के 8 बजे आप खोलने वाले हो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें नंबर दिख जाए, बड़ी बात है. इट इज ऑल प्योर थियरी. तो मैं तो अपनी एनर्जी से और अपने कंटेंट से पूरी ताकत लगा दूंगा कि आपको उठाने की. पर जो आदमी घर को जाके लेट से पढ़ के सोया है, 2 बजे सोया है और सुबह 7 बजे उठ के आया है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है. तो नींद आना बहुत बकवास मत करो, बहुत नॉर्मल है, सो जाया करो टाइम पे. पर चलो ठीक है, फिर भी नींद आना नॉर्मल है. पर राजा फिर भी उसको हटाने का एक तरीका है. जब मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं ना, तो मैं हमेशा देखो, जैसे मैंने ये चीज करी, ये मैंने स्क्रीन पे लिख लिख करके समझाया, तुम भी मेरे साथ साथ ये चीज सुन सुन के लिखो, सुन सुन के लिखो. जरूरी नहीं है कि मैंने एक्ट में ऐसे लाइन बनाए तो तुम भी ऐसे लाइन बनाओगे. तुम दूसरे डायरेक्शन में लाइन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू राइट डाउन एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग. दैट मेथड इज कॉल्ड एज स्क्रिबल मेथड. दैट मेथड इज कॉल्ड एज स्क्रिबल मेथड. हर चीज को लिख लिख के सुनने से क्या होता है, एक तो अटेंशन ज्यादा रहता है, दूसरा रिटेंशन ज्यादा रहता है, और तीसरा सर देखो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो लिखते लिखते बोला सो जाता हूं. अगर तुम वहां उस स्टेज पे पहुंच चुके हो कि सर अब तो लिखना क्या, मैं तो चलते चलते भी सो जाऊं, तो अलग चीज है. फिर तो भाई तुमको डॉक्टर पास जाना पड़ेगा. बट अदरवाइज आई एम अज्यूमिंग कि लिखते लिखते शायद नींद नहीं आएगी. अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, मैं आपको एक चीज लिख करके दे रहा हूं. स्क्रिबल का मेथड जो है ना, वो शुरू के 20 दिन तुमको नहीं जमने वाले. अच्छे अच्छे लोगों ने ये कहा है कि स्क्रिबल का मेथड शुरू में समझने में और अडॉप्ट करने में समय लगता है. बट सर आई टोल्ड यू माई मेथड्स विल वर्क लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिन. इट विल वर्क लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिन. इट विल टेक सम टाइम टू शो इट्स रिजल्ट, बट इट हैज नो साइड इफेक्ट्स. और काम करेगा. पर आपको ये समझना पड़ेगा, स्क्रिबल मेथड जो है ना, अगर आप ये सीख जाओगे तो आपका सिर्फ लॉ नहीं, आपका प्रोसेस ऑफ लर्निंग पूरा बदल जाएगा. आपका पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ लर्निंग कि मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूं, किस तरीके से चीजों को समझ रहा हूं, वो पूरा बदल जाएगा. आप हर सब्जेक्ट में क्या करोगे पता है, टीचर बोले ना बोले आप स्क्रिबल करने लग जाओगे कि सर समझा रहे, मैं तो लिखते लिखते समझ रहा हूं. तो इससे क्या होगा, आपका लर्निंग लेवल जो है वो बढ़ जाएगा कि आप लोग मेरे साथ स्क्रिबल करोगे. सर शुरू में 20 दिन मेहनत करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा, पर परिवर्तन आएगा, आपको समझना पड़ेगा. अब राजा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. आप समझे क्या लॉ और एक्ट में क्या फर्क होता है? लॉ क्या होता है? लॉ एक ब्रॉडर वर्ड होता है, एक्ट क्या होता है उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है. पर मेरे को एक बात बताओ सर, ये कंपनीज एक्ट 2013 जो हम पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं, कंपनीज एक्ट 2013, क्या आप गेस करके बता सकते हो ये एक्ट कब आया था? नहीं, ये वाला एक्ट कब आया था? ये वाला एक्ट तो 2013 में ही आया था ना, ये 2013 में हुआ था. बट हाँ आप पढ़ा लो, आ जाओ. ठीक है सर, ये 2013 में आया था. ठीक है, क्या ये पहली बार कंपनीज एक्ट आया था कि उसके पहले भी कुछ था?
पहले भी था सर, हमको पता है, हम फाउंडेशन से आए, ऐसा मत सोचो। कितना कितना था, कौन सा एक्ट था सर? कंपनीज एक्ट। वाओ आदि, यू आर सो स्मार्ट। 1956 पहली बार आया कि उसके पहले भी कुछ था? हवे में मत फेंक के मारो, हाथ होगा तभी पूछ रहे। क्या था सर? इसके पहले भी कंपनीज एक्ट था, 1913। मतलब कंपनीज एक्ट जो हमको 10-15 साल का दिखता है वो 100 साल से ऊपर हो गए हैं। कंपनीज एक्ट 1913 था, 1956 बना, उसके बाद 2013 आया, मतलब इट हैज कम अ लॉन्ग वे। पर मेरा आपसे एक सवाल है सर, भूल जाओ कि 1913 था, भूल जाओ कि 1956 था, हमारे लिए क्या रेलेवेंट है? हमारे लिए रेलेवेंट है कंपनीज एक्ट 2013। मेरा आपसे एक सवाल है, ये कंपनीज एक्ट 2013 आया कैसे? क्या जरूरत क्या पड़ी, क्यों कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया? आपने ब्रिज बैच अटेंड किया था? चुप रहो, सुनो सर, 2013 क्यों आया, मेरी बात ध्यान से सुनना। कंपनीज एक्ट 1956 अच्छा खासा चलते जा रहा था, 1956 का एक्ट अच्छा खासा चलता जा रहा था और कहानी आगे बढ़ते जा रही थी। जैसा जैसा जरूरत पड़ता जा रहा था वैसा वैसा क्या करते जा रहे थे ये लोग, अमेंडमेंट करते जा रहे थे। क्या करते जा रहे थे? अमेंडमेंट करते जा रहे थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, हुआ क्या पता है, एक बहुत बड़ा फटका हमारी पूरी सरकार को लगा सन 2000, उसके पहले स्कैम 1990, पहला फटका लगा सर स्कैम 1992 का। अब सर ये 1992 का ना कोई कंपनीज एक्ट का फ्रॉड नहीं था, 1992 किसका था? स्टॉक मार्केट का फ्रॉड था। तो ये स्टॉक मार्केट के फ्रॉड के वजह से एक नया एक्ट आया, सेबी एक्ट। एक फ्रॉड हुआ, इन्होंने क्या किया, सेबी एक्ट लाया। क्योंकि सर हर्षद मेहता का जो स्कैम था ना, तुमने देखा है स्कैम 1992? किसने किसने देखा है? अरे पढ़ाई लिखाई होती थोड़ी है तुमसे, नीचे करो। सर आप लोगों ने स्कैम 1992 देखा है, वो कोई कंपनीज एक्ट का स्कैम नहीं था, वो बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट का फ्रॉड था। क्या करता था, उसमें पैसा लोन लेता था और पूरा पूरा स्टॉक मार्केट में डाल देता था। डालता गया, स्टॉक का प्राइस बढ़ता गया, जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो स्टॉक को बेच करके वो बाहर निकल गया। तो सर उस तरह का स्कैम था, पर वो स्कैम हो गया। अब आगे चल करके हम बढ़े 2008 के तरफ, 2007 और 8 के तरफ। क्या हुआ था सर 2007-8 में? देयर वॉज अ वेरी बिग स्कैम अगेन, विच वॉज सत्यम स्कैम। क्या हुआ था राजा? सत्यम स्कैम हुआ था। और जब ये स्कैम हुआ था ना, सबसे पहले सिर पकड़ के बैठ गए वो लोग जो कंपनीज एक्ट 1956 बनाए थे। क्या हुआ था आपको सत्यम स्कैम में, एक दो मिनट में ब्रीफ देता हूं आपको। बताए सत्यम कंपनी करके, एक सत्यम करके कंपनी थी, उस कंपनी का मालिक था जिसका नाम था रामलिंगा राजू, आरआर, रामलिंगा राजू। एक दिन सुबह 7 जनवरी 2008 का दिन था, सुबह सुबह रामलिंगम राजू 8 बजे एक लेटर रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं लेटर में बताए, कि मैंने कंपनी में 8,000 करोड़ का, 8,000 करोड़ कहीं पे 12,000 है, बहुत सारे अलग अलग फिगर है, पर 8,000 करोड़ का मैंने फ्रॉड किया है। कैसे फ्रॉड किया, क्या किया है, वो मैं आपको आज नहीं समझाऊंगा, पर आप समझो 8,000 करोड़ का फ्रॉड किया है, जहां पे मैंने कंपनी का ऐसा दिखाया कि कंपनी के पास 8,000 करोड़ है, पर कंपनी के पास वो 8,000 करोड़ नहीं है, वो सिर्फ किताबी नंबर्स है, हमारे पास एक्चुअल में पैसे नहीं है। सर ये फ्रॉड का न्यूज जैसे ही आया ना, सत्यम का शेयर जो है, आई मे बी अ लिटिल हियर एंड देयर विद द नंबर, बट 1500 रुपए का शेयर चल रहा था, वो इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ आपको 30-35 रुपए के आसपास दिखाए, ऐसा डर से गिरा है कंपनी का स्टॉक। कहा क्या करोगे यार, वो स्टॉक रख के, जो कंपनी में स्कैम हो रहा है उसका स्टॉक रख के करोगे क्या? तो भैया लोगों ने जो बेचा और कंपनी पूरी की पूरी डूब गई। कंपनी डूबने के बाद महिंद्रा आया, महिंद्रा ने आकर के सत्यम को खरीद लिया। पर उस समय एक सवाल आया कि यार अगर ये रामलिंगम राजू सुबह सुबह 8 बजे आके ये बताता नहीं कि मैंने फ्रॉड किया, तो हम जो ये कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट, आरबीआई एक्ट, फलाना एक्ट बना रखे, ये लोग क्या कर रहे थे सबके सब? ये जो इतने सारे हमने 800-800 पेज की किताब बना रखी है, ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग क्यों नहीं पकड़ पाए फ्रॉड? सामने वाला आके बताया तो हमको पता चला वो फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ चलो पता करो क्या फ्रॉड कर रहे, हमारे प्रोसेस कहां गए? तब इनको समझ आया यार जो कंपनीज एक्ट 1956 है ना, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। तो उन्होंने बोला यार वी विल हैव टू स्क्रैप दिस, वी विल हैव टू लेट दिस गो। इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोविजंस लाए
और उन प्रोविजंस को लेकर के एक पूरा पूरा नया एक्ट बनाया जिसको इन्होंने कहा कंपनीज एक्ट 2013। इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद भी इनको पांच साल तो लगाई पर ये पांच साल अब 2014 से लगना बंद हो गया है सर। 2014 के पहले ऐसे काम के लिए चार चार पांच पांच साल लगते थे, 2014 के बाद ये चीजें इतना समय नहीं लेती है। क्या बदला सर 2014 में? सरकार बदली। क्या बदली? सरकार बदली। कोई पॉलिटिकल जोक नहीं था, फैक्ट है, मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, सुनते जाना। पर सर कंपनीज एक्ट 2013 में क्यों आया? दो कारण थे सर। एक तो बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे जिसके लिए हमको नए नए प्रोविजंस, तुमका अभी पांच मिनट पहले मैंने बोला, सुनते सुनते लिखो कसम, मतलब कौन कौन लिखा, अभी नहीं लिख रहा, बताओ किसने किसने नोट्स में 2008 तक भी लिखा है। ये देखो बाकी बच्चे सर हम खो गए थे, हम सोच रहे थे कैसे आके कितनी हिम्मत करी होगी रामलिंगम राजू ने सुबह आके, अबे लिखो लिखो सर, सुनते सुनते लिखो। एस्पिरेंट कहता है मोदी है तो मुमकिन, ठीक है इस पे भी आते हैं। सर ये क्या हो गया 2008 में सत्यम का स्कैम आया, हमको समझ आया बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है, तो हमने क्या किया कंपनीज एक्ट 2013 निकाला। पर मेरा सवाल है सर एक बार के लिए, उस समय इमेजिन करो 2013 में राहुल गांधी जो है, नहीं यार नहीं हो पाएगा, इमेजिन करो 2013 में मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर थे, मोदी जी क्या थे प्राइम मिनिस्टर थे। मेरा आपसे एक सवाल है सर, ये 2013 में जो कंपनीज एक्ट बना, इमेजिन करो मोदी जी ने क्या बोला होगा, मोदी जी ने जैसे इसने कहा मोदी है तो मुमकिन है, मान लो मोदी जी ने सोचा यार कंपनीज के लिए ना एक एक्ट बनाना चाहिए, तो अभी घर जाके मोदी जी लिखना शुरू करेंगे क्या डायरी में अपने कि कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, कंपनी में कितने शेयर होल्डर, ये सब मोदी जी का काम है क्या? नहीं, क्या करेंगे सर वो, किसको बोलेंगे, आपको मेरे को बोलेंगे एक्ट बनाने, किसको बोलेंगे, कोई हाथ खड़े करके बताओ किसको बोलेंगे? हाँ जी किसी ने कहा MCA, पानी की जरूरत थी भाई। सर आपके मोदी जी जो है ना, ये मान लो ये कौन हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से बैठ के एक्ट थोड़ी बनाएगा भाई, उसके पास और काम भी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, वो ढूंढेगा रेलेवेंट मिनिस्ट्री को, किसको, रेलेवेंट मिनिस्ट्री को। सर कितने मिनिस्ट्रीज होते हैं, भयंकर सारे होते हैं, मैं कुछ नाम लेता हूं, सुने हो क्या बताना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एयर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, यूथ अफेयर्स मतलब क्या, जो यंग लोगों के अफेयर्स चलते हैं, उसके लागत से एक मंत्री बैठा रखा है ना सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सुना है आपने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी के भी अफेयर्स चलते हैं, सुना है आपने, नहीं सर कंपनी का कैसे अफेयर चलेगा, हमको तो फाउंडेशन में बोला गया था दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी, अब हमको बोला था टीचर ने कि कंपनी का नहीं होता है, देखने को, कान सुनने को, दिल धड़कने को, क्या किसी के पेरेंट्स आ रखे हैं डेमो में भाई, मैं ना ऑनलाइन ठीक है जाने दो, तो मैंने, तुम सोच रहे हो मैंने क्या बोला, मेरा दिल का मतलब था, मेरा मतलब था कंपनी अफेयर कैसे करेगा जब उसके पास दिल ही नहीं है, बाकी तो तुम्हारा सोच था, जिसकी जैसी सोच वो वहां तक सोच के आया, मैं तो बस जरिया हूं, तुमको तुम्हारी सोच से मिलाता हूं। तो दोस्तों मैंने क्या कहा, कंपनी अफेयर नहीं होता, पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब क्या, ये कंपनी इस पे ध्यान रखते हैं। तो सर अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को फोन लगाया होगा, किसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को, क्या बोल करके, अच्छा बताओ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कौन है, हु इज द मिनिस्टर करेंटली, सर आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दोनों भी कौन है, निर्मला ताई, निर्मला सीतारमन जी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, और वो क्या करते हैं, वही ये कंपनीज के सारे प्रोविजंस जो है वो देखते हैं। तो मोदी जी ने कौन लगाया होगा, निर्मला मैडम को। एक और है सर अपना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कौन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पहले देखो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, ये कौन है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, भैया और भाभी जी, ठीक है, अभी तुमको पता है ना इनकी लड़ाई हुई थी वो अपने ऋषि सुनक के कारण, ये इंडियन लोग करते, तुमको नहीं पता क्या, पता है, ठीक है। अब सर उसके बाद मिनिस्ट्री में देखो सबसे पहले कौन है,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये हमारे लिए रेलेवेंट है। अच्छा, अभी मेरे को ये नहीं देखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चेंज हुआ क्या, बट अभी पिछले टर्म तक तो कौन थे, हमारे पीयूष गोयल जी थे, यू नो हिम, ही इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। देन वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, द लेडी जिससे इंडिया पूरा डरता है, कोई ऐसा इंसान नहीं जो इनसे नहीं डरता होगा। और तीसरा सर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये कौन है, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है, अमित शाह। ये सर हम लोगों का कौन हो गया, अलग अलग मिनिस्ट्री हो गया। अब मोदी जी किसको कॉल लगाएंगे, निर्मला मैडम को, क्या बोलेंगे, मैडम अपने को ना एक मस्त सा क्या बनाना है, लॉ बनाना है, किसके लिए, कंपनीज के लिए, जो हो गया भाई, कितना ताड़ रहे हो तुम उसको, इधर आओ, क्या कहा मैंने, एक मस्त वाला लॉ बनाना है, किसके लिए, कंपनीज के लिए, जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें जो सत्यम स्कैम का कांड हुआ और जितनी भी चीजें हुई वो सारी चीजें उसमें कवर होनी चाहिए। तो अब किसको फोन किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को। तो निर्मला ताई जो है क्या वो खुद बैठ के लॉ लिखेगी, नहीं सर, अब निर्मला ताई क्या करेगी, अब ध्यान से सुनना और मेरे साथ साथ लिखते जाना। सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अब क्या करेगा, वो एक कमिटी बैठाएगा, वो एक कमिटी बैठाएगा। सर आपने इस साल का बजट देखा, अभी जो बजट का स्पीच आया था, उस बजट के स्पीच में निर्मला ताई ने यह बोला, हम इनकम टैक्स एक्ट को, नया इनकम टैक्स एक्ट बनाने के लिए एक कमिटी बैठाएंगे। वो कमिटी क्या करेगी, अभी वाले इनकम टैक्स एक्ट को खत्म करके एक पूरा नया सिंप्लीफाइड टैक्स लेके आएगी। तो क्या बैठाने वाले बोलो, एक कमिटी। सर उस कमिटी में कौन बैठेंगे, कमिटी में बैठेंगे कुछ एक्सपर्ट्स जो दिन रात कंपनीज एक्ट में काम करते हैं, जो दिन रात कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को समझते। और वो एक्सपर्ट क्या करेंगे सर, वो लोग अपने हिसाब से पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक ड्राफ्ट। सर इस ड्राफ्ट को क्या नाम दूं, सर इस ड्राफ्ट को लीगल टर्म्स में कहा जाता है बिल। क्या कहा जाता है, बिल। सर बिल मतलब क्या, अभी ये ड्राफ्ट है, क्या ये लोग कंफर्म कर सकते हैं कि यही कंपनीज एक्ट है, चलो। अरे 10-12 लोग मिल करके कैसे कंफर्म करेंगे, वो लोग अपने दिमाग से क्या बना सकते हैं, ड्राफ्ट। अब सर ये जो बिल बन गया, इसका क्या होगा, व्हाट विल हैपन, हाँ सर, अब ये बिल जो बना है ना, ये लीगलाइज नहीं हुआ है, अभी तक ये लीगल नहीं है, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, इसको एक लीगल वैलिडिटी देनी पड़ेगी, इसको एक लीगल आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। उसके लिए आप इसको लेके जाओगे आपके हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स में। सर कितने हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। हाँ बोलता है वो, बोले अबे सुन ले, क्या कहा मैंने, दो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एक आपका लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो सर सबसे पहले कहां लेके जाएंगे, मैं चाहता हूं राज्यसभा लेके जाऊं, ले जा सकता हूं मैं, हाँ क्या बोले, आर्टिकल, हाँ, वो पूरे तुमको पॉलिटिक्स पूरा पता है कि भैया क्या पॉलिटिक्स किया उन्होंने उसमें। सुनो राजा, ये हमारी बस ऐसी फील होती है कि पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको पहले राज्यसभा में ले जाके बाद में लोकसभा में भी अप्रूव करवा सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर सरकार क्या करती है पता है, सरकार देखती है हमारी मेजोरिटी कहां है, जहां उनकी मेजोरिटी होती है वहां पे वो ले जाकर के क्या करते हैं, बिल को पहले रख देते हैं। पर लॉजिकली क्या जाता है सर, आपका लोकसभा पहले आता है और राज्यसभा बाद में आता है। अच्छा एक बात बताऊं, वैसे तो राज्यसभा पहले आ सकते हैं, पर जो फाइनेंस बिल होते हैं ना, अभी आपको टैक्स की क्लास में बताएंगे, तुम मेरे को डांटना मत कि अरे ये कैसे बोल दिए कि राज्यसभा में नहीं ले जा सकते। सुनो जो फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस बिल मतलब जो पैसों से रिलेटेड बातें होती है, उसको मैंडेटरी है लोकसभा में लेके जाना, वो आप राज्यसभा में नहीं ले जा सकते, उसको मैंडेटरी कहां ले जाना पड़ेगा, लोकसभा में। पर ये कंपनीज एक्ट का जो बिल था, ये कोई फाइनेंस बिल नहीं है, इसमें पैसों की बात नहीं हो रही, कंपनीज की बात हो रही है। तो ये आप पहले राज्यसभा के पास ले जाओ, बाद में आप लोकसभा के पास ले जाओ। आपको याद है बीच में एक फार्मर के लिए 3 एक्ट आ रहे थे जिसके लिए बहुत हड़ताल किए गए थे, वो पहले वो बिल था एक, वो बिल पहले कहां पे गया लोकसभा में, बाद में कहां पे गया राज्यसभा में। तो सर कहां पे लेके जाओगे, मान लो सबसे पहले आप लेके जाओगे एलएस, एलएस बोले तो लोकसभा, लोकसभा में अप्रूव हो गया, फिर कहां लेके जाओगे, राज्यसभा। तो सर लोकसभा अप्रूव हो गया, राज्यसभा अप्रूव हो गया, अब मतलब पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया और सरकार ने पूरा अप्रूव कर दिया, प्रोटेस्ट कर भी लिया उसमें राहुल गांधी ने, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब आगे
सर अब भी आपका बिल जो है वो अभी तक एक्ट नहीं बना है। एक बार लोकसभा राज्यसभा अप्रूव हो गया ना, फिर आप इसको लेके जाओगे किसके पास बताए? टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि प्रेसिडेंट साहब आपके सिग्नेचर के बिना ना इसको कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं मिलेगी, इसको कोई लीगल वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हमको क्या जरूरत है? यहां पे आपके सिग्नेचर की जरूरत है। और सर एक बार प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दे दिया, असेंट मतलब क्या कि उसने साइन करके ओके कर दिया, तो अब बिल जो है वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। अब मिलीमीटर जो है वो सेंटीमीटर बन गया। अब क्या हुआ? फाइनली मिलीमीटर जो है वो आपका सेंटीमीटर बन गया। अब इस एक्ट की कोई लीगल वैल्यू है, अब आप इस एक्ट को थोड़ी सी इज्जत दोगे। पर एक बात बताओ यार, तुम्हारे और मेरे जैसे आम आदमी को क्या पता क्या हो रहा है? मेरे को क्या पता लोकसभा में अप्रूव हुआ राज्यसभा में अप्रूव हुआ, चलो ये तो भी पता चल जाएगा, पर मेरे को क्या पता प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया? मेरे को बताना तो पड़ेगा ना। तुम मेरे को ये किसको अप्लाई करेगा? मेरे कंपनी को, तो मेरे को बताओ तो सही। तो सरकार कैसे बताएगी? सर सरकार जो है इसको रिलीज करेगी इन अ प्लेस कॉल्ड एज ऑफिशियल गैजेट, इन अ प्लेस कॉल्ड एज ऑफिशियल गैजेट, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? ओजी। प्यार से तो वैसे नहीं बोलते, पर क्या बोलेंगे? ओजी। ओजी बोले तो ऑफिशियल गैजेट। एक बार जब ऑफिशियल गैजेट में आ गया ना, तो अब क्या हो गया? ये एक्ट आपका इफेक्टिव हो गया। अरे मेरी बात समझे क्या? ये प्रोसेस समझा गया तुमको? क्या तरीका था? कमिटी आई, बिल बनाई, बिल को कहां लेके गई? लोकसभा। लोकसभा से कहां? राज्यसभा। राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद आपका ऑफिशियल गैजेट, और ऑफिशियल गैजेट के बाद बिल जो है वो एक्ट बन जाता है और आपका इफेक्टिव हो जाता है। अरे समझा गया तुमको? हां सर। बीच में एक और स्टेप आता है। आपको बताए जब आईसीएआई ने को, किसने? हमारे आईसीएआई ने जब एक नया सिलेबस लाया था। अच्छा चलो आईसीए वाला मैं आपको बाद में बताता हूं। सर यहां पे एक बात बताओ, ये बिल किससे रिलेटेड है? कंपनी से रिलेटेड है। क्या इससे आपको और मेरे जैसे लोग जिनकी हमारी कंपनी से, क्या हमको फर्क पड़ेगा? हाँ सर, हमारी कंपनी से तो हमको फर्क पड़ेगा। तो क्या हमारी बात सुनी जानी चाहिए? क्या हमारी बात सुनी जानी चाहिए? हाँ सर, सुनी जानी चाहिए। इसलिए जब बिल बनता है ना, जब ये बिल बन जाता है, तो एक बार इसको पब्लिक में रिलीज किया जाता है फॉर पब्लिक रिकमेंडेशन, कि भैया पब्लिक तेरे को कुछ भी, अगर तेरे को कमेंट्स देने हैं, तेरे को कुछ भी अपना इसमें ज्ञान देना है, तो तू जो है आकर के इसमें ज्ञान दे सकता है और हम तेरे ज्ञान को कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं कि तूने बोला तो हम मान लेंगे, हम तेरी बात पढ़ेंगे, हमको लगा सही है तो हम चेंजेस करेंगे, नहीं तो तेरा पेपर फाड़ देंगे। पर हम तुमको बोलने का एक मौका देंगे और उसके बाद कहां पे लेके जाएंगे? लोकसभा में लेके जाएंगे। अरे समझे क्या? पर ये हर केस में नहीं होता सर। जैसे आपका फाइनेंस बिल जो इनकम टैक्स वाला होता है, वो पब्लिक में रिलीज नहीं होता, वो सीधा जब निर्मला ताई बोलती है तभी पता चलता है, उसके पहले पब्लिक में रिलीज नहीं होता है। सर आप मेरी बात समझे क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो यस और नो। यस सर। ये क्या हो गया? ये आप लोगों का पूरा हाउ डज एन एक्ट कम इन टू पिक्चर क्या आप लोगों ने लिख दिया? एवरीवन, कोई बचा है? लिख ले, लिख ले, लिख ले। ठीक है सर, आपसे मेरे को एक बात बताओ। हेलो सर, ये सब तो ठीक है, कैसे आएगा समझ आ गया, पर सर मेरे को ये बात बताओ, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसने दिया? आज सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कंपनीज को रेगुलेट करूंगा, फिर उसने ये भी बोल दिया एलएलपी को रेगुलेट करूंगा। कल को सर अगर उसने इंडिविजुअल पे रेगुलेशन लगा दिया तो, कि भाई तू रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकता, तू क्यों पप्पा बन रहा है? तेरे को किसने बोला ये लॉ बनाने के लिए? तेरे को ये पावर कौन दे रहा है? ये देखो यार, आज मेरी कंपनी अगर होती तो मैं तो सरकार से यही पूछूंगा ना, तू कौन होता है बोलने वाला? तो सर मेरे को बता, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहां से आ रही है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर आ रही है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिखो, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा इंडिया का संविधान है वो ये पावर देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप क्या कर सकते हो? आप जो है एक्ट बना सकते हो। सर आपको क्या पता है कौन से क्या आपने कभी सुना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में
कौन सा आर्टिकल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है? मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो सर, ये भारत का संविधान है, फॉर गॉड सेक टेक्निकल टीम प्लीज रिजॉल्व दिस इश्यू, चल जा, फूक मार, मैं बोलता हूं तुमको काला जादू होता है, वाह थैंक यू सो मच भाई। सुनो सर क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें अगर आप देखोगे ना तो हमारे बहुत सारे ना आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स मतलब वही सर जो अभी हम इंटर हो जाए एक बार आर्टिकल शिप, अबे ओ आपके कंपनीज एक्ट में सेक्शन होता है ना, वैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है आर्टिकल, अगर आप आर्टिकल में देखोगे तो बहुत सारे आर्टिकल है, इसमें आ जाता है एक आर्टिकल नंबर, कोई बता सकता है क्या नंबर? 200 समथिंग, लगभग लगभग पास हो, लगभग सर 200 लगभग पास हो आप, 246 बहुत ज्यादा दूर नहीं था, बस ये कि उसके बीच में बहुत सारे सेक्शंस हैं, पर सर 246 ये कहता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये लिखने की जरूरत नहीं है मेरी तरफ, सुनो सर ये आर्टिकल 246 क्या कहता है पता है, ये बोलता है मैं तुमको बताऊंगा कि कौन से मुद्दे पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बना सकते हैं, कौन से मुद्दे पे स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बना सकते हैं, और कौन से मुद्दे पे दोनों को साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, कौन कहता है सर ये आर्टिकल 246, तो नोट में लिखो आर्टिकल 246, हेडिंग डालो आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपको तीन लिस्ट देता है सर, पहला लिस्ट क्या होता है क्या बता सकते हो, तीन लिस्ट देता है, पहले लिस्ट का नाम होता है यूनियन लिस्ट, अरे वाह ये तो हमारा हिस्ट्री सिविक्स का सिलेबस आ गया, एक हो गया यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, क्या मतलब सर, पहला यूनियन लिस्ट मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसका पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट लिस्ट मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में रूल्स बनाने का पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और तीसरा क्या हो गया आपका कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसका पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों मिला करके करना पड़ेगा, दोनों को मिला करके करना पड़ेगा काम, दोनों को मिला करके काम करना पड़ेगा, ऐसे कौन सी चीजें होती है सर, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, ये दोनों से दोनों गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सर, आपका फॉरेस्ट हो गया, पेड़ वगैरह हो गए, ये दोनों की जिम्मेदारी है, अब मेरे को बताओ सर सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है यार, आपका डिफेंस किसकी जिम्मेदारी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, आपका पूरा बैंकिंग किसकी जिम्मेदारी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, टैक्सेस किसकी जिम्मेदारी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सिमिलरली कंपनीज एक्ट बनाना किसकी जिम्मेदारी, आपके यूनियन लिस्ट यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो सर स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाता है, किस चीज पे लॉ लगाता है स्टेट गवर्नमेंट, सर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है एग्रीकल्चरल इनकम पे ध्यान देने की, किस पे ध्यान देने की, एग्रीकल्चरल इनकम पे, और सर एल्कोहल, एल्कोहल किसके कंट्रोल में रहता है, स्टेट के, आज आपको चलो आपका जब जीएसटी का इंट्रोडक्शन होगा तब आपको पता चलेगा, पर अल्कोहल पे ये आपने है ना यहां पे सुला वाइन, एक सुला है और एक क्या है, एक सुला और एक और नाम है ना बाजू में, हाँ सुला और सोमा, हाँ तो ये जो वाइन यार्ड से ये सब लोगों को तुमको पता है जीएसटी पूरे इंडिया में लग गया, पर अभी भी अल्कोहल प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगते थे, अभी हाल फिलहाल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बहुत डिटेल में आपको आईडीटी में समझोगे जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ोगे, पर अल्कोहल किसके यहां आता है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के पावर में, सर ओपियम
नाम तो सुना ही होगा, हाँ, अफीम, बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें सर, ये किसके गवर्नमेंट, किसके कंट्रोल में आती है, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये सब चीजें स्टेट गवर्नमेंट ध्यान देता है और बाकी चीजें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ चीजें कॉमनली काम करते हैं। अब यहां से सर जब आपने यूनियन लिस्ट पढ़ा तब आपको समझ आया, अच्छा कंपनीज एक्ट बनाने का पावर किसके पास है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तब जाके मोदी जी ने किसको कॉल लगाया, मेलोडी निर्मला दाई को, किसको कॉल लगाया, निर्मला ताई को, कि जरा एक अच्छा सा एक्ट बना दो ना, तब जाके पूरा प्रोसेस शुरू हुआ। अरे समझे क्या, अरे समझ ला का है, इतना ही आता है बस। चलो आगे चलो सर, मेरी बात सुनो ध्यान से। आज सर मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही बेसिक चीजें बताऊंगा। आज हम लोग कंपनीज एक्ट, वैसे मैं शुरू करता हूं, वैसे मैं कंपनीज एक्ट शुरू कर देता हूं, पर आज मैं कंपनीज एक्ट शुरू नहीं करूंगा। आज मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज में आप लोगों का समय लगाना चाहता हूं, और वो है, खुल जाएगा तो बता दो, वो है ये सर, कंपनी की बात करें और रिलायंस की बात ना आए ऐसा नहीं हो सकता, अमीर की बात करें और मुकेश अंबानी का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। सर ये क्या है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। राजा आज मैं आपको जो भी चीज पढ़ाने वाला हूं ना, आज जितनी भी चीजें जो भी समय में बताऊंगा मैं आपको, ये सब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आगे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए। आपने फाउंडेशन में जो कंपनीज एक्ट पढ़ा ना, एओए, एमओए, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंट्रावायरस, और ये सारी चीजें जो भी आपने पढ़ी, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए एक हद तक ही रेलिवेंट है। मतलब चैप्टर टू जब अपना खत्म हो जाएगा ना, तुम्हारा फाउंडेशन के नॉलेज की वैल्यू जीरो हो जाएगी। चैप्टर थ्री से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक आप हर चीज जो पढ़ोगे ना, उसका फाउंडेशन से कोई नाता नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को, अच्छा डायरेक्ट एंट्री वाले में तुमको एक चीज बता दूं, मैं फाउंडेशन आप लोगों को क्लास ये अजम्पशन पे लेता हूं कि आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ाई नहीं करी है। ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्प करेगा और साथ में जो फाउंडेशन पास हो गए उनको भी करता ही है, क्योंकि उन्होंने, मेरा जो अजम्पशन है वो सच होता है कि तुमने असल में फाउंडेशन में पढ़ाई नहीं करी होती है। वो तो क्या, तीन सब्जेक्ट ताकत, एक तुक्का और बाकी भगवान मालिक, जो 200 से 210 वाले हैं। मैं जब काउंसलिंग करता था, जो बच्चे मेरे को 200 वाले मिलते थे, .200, मैं बोलता था अरे अच्छे मार्क्स से ज्यादा तो तुमने उखाड़ा है, जो 320 330 लाए वो तो ठीक है बहुत मेहनत किया, तुम 200 लाए हो, 199 होते तो भैया फंस जाते। तो तुम लोग सुन लो मेरी बात, मैं आपको पूरा इसी अजम्पशन पे बताऊंगा कि आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी मैं ऐसे बताऊंगा जैसे आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है। तो बेयर विद मी, बेयर विद मी। अभी पहले सर पढ़ो क्या लिखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, व्हाट इज दिस, रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी विच वॉज फाउंडेड बाई धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी के दो बेटे और दो बेटियां भी है, तुमको पता है चार बच्चे उनके, दो बेटे और दो बेटियां। दो बेटे कौन, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। आज से आई थिंक 12-15 साल पहले बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था कि धीरूभाई अंबानी की जो बिजनेस है वो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में किस तरीके से बटेगी, और ये डिस्प्यूट पूरे पब्लिक लेवल पे हुआ था। मतलब ऐसा नहीं घर की बात है, उनके लिए पूरे इंडिया की बात थी वो। अब उसमें मुकेश अंबानी ने एक बिजनेस लिया जिसका नाम, जिसमें पेट्रोकेमिकल बिजनेस, ऑयल का बिजनेस, गैस का बिजनेस, ये सब किसके पास आ गया, मुकेश अंबानी के लिए, जिसका नाम क्या है आज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये मुकेश अंबानी का बिजनेस है। एक और बिजनेस है अनिल अंबानी का, जहां पे वो टेलीकम्युनिकेशन, पावर, ये सब चीजों पे कौन काम करता है, अनिल अंबानी काम करता है, एंड वी ऑल ऑफ अस नो दैट ही इज नॉट डूइंग सो वेल एज कंपेयर टू मुकेश अंबानी। अब सर मुकेश अंबानी, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ये मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की लड़ाई हुई थी, इसको देख के गौतम अडानी ने क्या किया पता है, गौतम अडानी के भी दो बच्चे, एक जीत अडानी और एक करण अडानी, एक जीत अडानी और एक करण अडानी। तो उसने क्या किया पता है, उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उसने बोला मैं तुमको 3 महीने का टाइम देता हूं, 3 महीने का टाइम देता हूं, 3 महीने का समय लो और तुम डिसाइड करो कि ये जो बिजनेस है अडानी बिजनेस, ये तुमको दोनों को बंटवारा करना है इसका, कि तुमको साथ मिलकर के चलाना है। अगर तुम बोलोगे बंटवारा करना है तो मेरे जीते जी इसका बंटवारा होगा, मैं नहीं चाहता बाद में लड़ाई हो, मेरे जीते जी इसका बंटवारा होगा, और अगर तुम लोग बोलोगे ना साथ चलाना है तो इसका बंटवारा जिंदगी में कभी नहीं होगा। 3 महीने का समय दिया,
जीत अडानी और करण अडानी को, 3 महीने बाद दोनों आए और बोले हम लोग इसको साथ मिलकर के चलाना चाहते हैं। तो अडानी बिजनेस जो है वो अभी एज अ ग्रुप चल रहे, आगे चल करके भी शायद ही हमको वो बिजनेस अलग होता हुआ दिखेगा, पर अभी के लिए सर लीडिंग कंपनी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलो सर, बहुत सारी चीजें मैं आपको इसका दिखा, अच्छा ये क्या रिपोर्ट है सर जो मैं आपके सामने खोला हूं? ये है इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट। सर हर कंपनी अपने हर साल खत्म होने के बाद, दोस्तों लिखवा नहीं रहा हूं पर खोला नहीं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज है, दो दो लाइन में बोल जाऊंगा वो तुमसे छूट जाएगी ना, तो एक कॉन्सेप्ट की बाइंड बच जाएगी। मैं इस अजम्पशन पे हूं ही नहीं कि आप डेमो फेमो देखने आए हो, मैं इस अजम्पशन पे हूं कि तुम पढ़ने आए हो और तुम मेरे कंटेंट को सहने के लिए तैयार हो। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, आज बस डेमो सुन भी लो, भले 5 दिन तुम क्लास में आके बैठ सकते हो पर कल से मेरा कोई डेमो नहीं होने वाला। कल से मैं आपको यही नोट्स लिखवाने वाला हूं जो फर्स्ट डे लिखवाता हूं, मैं वही कंटेंट पढ़ाने वाला हूं। मैंने देखे बाकी टीचर्स 10 दिन तक कंटेंट को लाइट रखते हैं ताकि तुम ऐसा घबरा ना जाओ, क्यों रे ये तो, अरे तो बाद में भी फटेगी ना, जब असलियत पता चलेगी तो बाद में क्या छुप जाएगा? अच्छा भाई सिलेबस तो वही है ना, तो जितना जल्दी हो सके हम उसको अटैक करके उसको हराना शुरू कर देते हैं, तो कल आपका ये चीजें जो है कॉन्सेप्ट पूरा शुरू हो जाएगा फुल फ्लेजेड। तो अब मेरी बात सुनो, जो लोग एडमिशन ले चुके कल आपके हाथ में बुक्स होनी चाहिए, you will go to the downstairs and you will collect the books today, और online वाले आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, I'm sure कल से delivery होना शुरू हो जाएगी। But coming back राजा, ये क्या है? Annual report है। Annual report मतलब साल भर का पूरा report। क्या आप लोग मेरे को guess करके बता सकते हो Reliance as a group कितना profit कमाते हैं? Anyone? चलो तुक्का मारेंगे, अपनी पूरी ताकत लगा के सोचो पर फेंकना मत कि 10 लाख करोड़ कमाता होगा। बोल भाई 10,000 करोड़, या 10,000 करोड़, एनीवन मोर देन दैट? 10,000 करोड़, वन, हाँ 26,000 करोड़ इन द हाउस, एनीवन? अबे सही में बिडिंग थोड़ी चल रही है सर, ठीक है 45,000 करोड़, एनीवन एल्स? हाँ बोल भाई 70 बोल लेता, गेस मारना था ना, 70 बोल लेता, ठीक है 70,000 करोड़, एनीवन? चल ठीक है, सोल्ड अप्रोक्सीमेटली 70,000 करोड़ प्रॉफिट कमाता है रिलायंस एक साल का। इतने में तेरा घर अगले 7 जन्म तक, तेरा हम सब का घर चला जाएगा। कितने हजार करोड़ सर? 70,000 करोड़ सर। ये देखो अभी वो सोच रहे, ठीक है, और उसने सोचा फिर उसने ये किया। सर आज तक का रिलायंस का मिला करके, आज तक का मतलब शुरू से आज तक का मिला के रेवेन्यू 10 लाख करोड़ पार कर चुके हैं, ठीक है। अब नीचे देखो आकर के, इसमें कुछ बहुत ज्यादा रेलिवेंट चीज नहीं है। यहां देखो सर, ये आपका करेंट ईयर का रेवेन्यू है, करंट ईयर में इन्होंने 1 लाख करोड़ का टर्नओवर मारा है भाई। तुम समझ रहे हो, या तो लोग 1 करोड़ देखते हैं या 1 लाख देखते हैं, ये लोग 1 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं जिसमें इनका प्रॉफिट है 80,000 करोड़। 80 मैं इसलिए बेच दिया क्योंकि उसने वहां पे 70, 69 नहीं भाई 79, ठीक है, रिलायंस को बड़ी चीजों में इंटरेस्ट है, 79,000 करोड़, ठीक है। तो 79,000 करोड़ का क्या है भाई? ये प्रॉफिट है सिर्फ इनका। और आप देखोगे इन्होंने यहां पे नीचे फिगर्स डाले हैं, ये करंट ईयर का है, करंट ईयर का 1 लाख करोड़ का टर्नओवर, पिछले साल 9,75,000, उसके पिछले साल 7,88,000। और सर देखो इतने पैसे होने के बाद भी पीछे नहीं हट रहे, इनको रिलायंस जियो भी चलाना है, फ्री में बातें, बाकी लोग को खत्म कर दिया, अब रिलायंस जियो का पूरा टर्नओवर इनका, डमरू की शादी सॉरी आनंद अंबानी की शादी खत्म हुई, इन्होंने हमारे जियो के रेट्स बढ़ा दिए। हम बोल रहे हैं 5,000 करोड़ का खर्चा, अरे उसने 50 रुपए रेट बढ़ाया उसका काम हो गया, अब 2 साल में पूरी रिकवरी हो जाएगी उसकी। तो तुम समझो कि ये लोग ग्रो कर रहे हैं, आज भी दे आर कमिंग अप विथ न्यू बिजनेसेस, दे आर थिंकिंग, अरे यार सोचो ना ये 70,000 करोड़ का प्रॉफिट एफडी में डालोगे, कहीं तो पैसे लगाने पड़ेंगे ना। बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके अलावा सर अर्निंग पर शेयर वगैरह तुमको नहीं समझेगा, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेट इक्विटी रेशियो। क्या आपने सुना है इसके बारे में कभी? सर वैसे तो मेरे काम का नहीं है, लॉ के लिए रेलेवेंट नहीं है, पर फिर भी मेरे को दिखा तो सोचा बता दूं। व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो? मतलब अगर कंपनी में
इन्होंने 100 रुपया खुद का लगाया है, तो मार्केट से उधारी कितना लिया है? सर ये डेट इक्विटी रेशियो है 0.41, मतलब इनके खुद के 100 रुपए हैं तो मार्केट से 41 रुपए है। मतलब अगर इन्होंने 141 करोड़ का इनके बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है ना, तो 100 करोड़ इन्होंने खुद लगा रखे और बस 41 करोड़ का लोन ले रखे, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है। आपको पता है अडानी का डेट इक्विटी रेशियो कितना है? अडानी का डेट इक्विटी रेशियो पता है सिमिलर है, बस 4 है, 4 0.4 की जगह 4 है। मतलब 100 करोड़ रुपए अडानी खुद का लगाता है और 400 करोड़ रुपए कहां से उठाता है? मार्केट से उठाता है। क्यों सर? क्योंकि अडानी का बिजनेस करने का स्टाइल ही है, उसको पता है कि 400 करोड़ रुपए जो मैं मार्केट से उठाया इस पे मैं साल का कमाऊंगा 50%, और मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितना? 10%। तो मेरे में कितना पैसा बचेगा? 40% पैसा बचेगा। तो मैं जितना ज्यादा लोन उठाऊंगा उतना ज्यादा मैं कमाऊंगा। पर सर ये कंपनी को डर बहुत होता है। आपने अगर आप न्यूज फॉलो करते होगे, नहीं भी करते होगे तो आजकल इंस्टाग्राम में घुस घुस के न्यूज देते हैं लोग, सुनेगा कैसे नहीं? तेरे को पता है कि अडानी के साथ क्या हुआ करके न्यूज शुरू होगा। उसमें सर आपको पता है हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आया था, देखे? अच्छा कितने लोग हैं जो मनी कंट्रोल लाइव मिंट से पढ़े ये न्यूज? नहीं सर, यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम वीडियो। सर सुनो ना, हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आया था जिसने क्या बोला था कि अडानी पूरा पूरा फ्रॉड कर रहे। अब सर अडानी के शेयर होल्डर्स की फट गई। क्यों फटी सर? इसलिए नहीं कि फ्रॉड कर रहे, उन्होंने बोला देख यार कंपनी की हालत वैसे भी टाइट चल रही है, कंपनी इतना बड़ा लोन लेकर के बैठा है, कल को अगर कंपनी में कुछ भी कम ज्यादा हुआ ना कंपनी फट से डूब जाएगी। क्यों पता है सर? क्योंकि जब आप मार्केट से डेट लेते हो तो डेट के साथ एक और चीज आती है, वो है इंटरेस्ट पेमेंट। और सर आपका प्रॉफिट आए ना आए इंटरेस्ट भरना पड़ता है, और जितना ज्यादा इंटरेस्ट, आज तुम समझो ना यार मेरी बात समझो, आज अगर मैं मान लो साल का 10 लाख रुपए कमाता हूं, ठीक है, साल का 10 लाख रुपए कमाता हूं, और मैंने क्या किया 10 लाख के सामने मैंने एक गाड़ी खरीद ली और गाड़ी का लोन भर रहा हूं मैं और इंटरेस्ट दे रहा हूं 4 लाख रुपए का, तो आज तो चलो मैं सह लूंगा, पर कल को मेरी कमाई बंद हो गई तो वो इंटरेस्ट तो बहुत जोर से चोट मारेगा। वही चीज अडानी के साथ हो सकती है, इसलिए लोग अडानी को एक रिस्की इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जबकि अडानी जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो इसका कितना है सर? डेट इक्विटी रेशियो 0.41, विच इज अ वेरी गुड नंबर। अब सर आगे बढ़े, कुछ चीजें और समझेंगे। सर बहुत डिटेल रिपोर्ट होता है, आप किसी भी कंपनी में कभी इन्वेस्टमेंट करने जाते हो ना, तो हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं? जब अभी तुम लोगों को आर्टिकलशिप में करोड़ों रुपए का स्टाइपेंड आएगा, 1500, 2500, 5000, ये मैं 3 साल का बताया आपको, 1500, 2500, 5000, तो तुम क्या सोचोगे? इसमें से ना मैं सेविंग शुरू कर लेता हूं, और सेविंग करके मैं क्या करूंगा? SIP, SIP बोले तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ये अलग बात है, तुम्हारे रहने का खर्चा 8000 है, तुम फिर भी क्या सोच रहे हो? वो तो पापा से मंगवाएंगे ना, ये 5000 क्या करेंगे हम? इन्वेस्ट। अब राजा तुम मेरी बात समझो, जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो हम लोग कैसा इन्वेस्ट करते हैं कि भाई एक वो जय सर उस दिन आए थे, सुबह कोलगेट का ब्रश करके आए थे, बोले यार ये कोलगेट का ना मेरे को लगता है बहुत अच्छा प्राइस जाएगा। मतलब क्यों सर? बोले ब्रश उसके कोलगेट के टूथपेस्ट में अलग ही टेस्ट है। हे? तो फिर मेरे को समझ आया लोग क्या करते हैं, फील पे इन्वेस्ट करते। मैगी खाया मजा आ गया, खरीद ले भाई शेयर, ठीक है। फिर ITC का शेयर, ITC पता है ना तुमको, वो स्टेशनरी वाली कंपनी, स्टेशनरी आती है ना, 18 रुपए के नोटबुक्स आते हैं, 20 रुपए का नोटबुक आता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, सुनो तुम लोग ना ज्यादा कनेक्ट मत करो ये सर, मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा कि तुम लोग ये सब बातों में कनेक्ट कर लेते हो। CA फाइनल वाले बच्चे कनेक्ट करते हैं, तुम लोग इतनी, मैडम आपको नहीं समझाना, आप मैडम व्हाइट शर्ट व्हाइट ड्रेस में जो है, हाँ आप, हाँ आपको समझा गया क्या? ITC स्टेशनरी वाली कंपनी है ना, उसमें क्या जोक था, क्यों हंस रहे फालतू ये लोग? देख ऐसे नहीं समझ आना चाहिए, तुमको भी उससे आगे पे होना चाहिए, सुनो मेरी बात प्लीज। तो सर मैंने क्या कहा, ITC है, अभी तुमने ITC के प्रोडक्ट्स यूज किए, तुमको लगा सही है यार क्या नोट से, तुमने क्या किया जाके शेयर खरीद लिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, फालतू तुम लोग ना इधर ध्यान दो सर, इधर देखो स्क्रीन पे। अब सर आ जाते हैं इस कंपनी के मेन चीज पे, क्या लिखा है, ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ डायरेक्टर्स। ये देखो सर कौन है हमारे, मुकेश जी अंबानी सर, ये कंपनी के मालिक है, कंपनी के ओनर है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखो सर, ये कंपनी के ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। क्या है ये? डायरेक्टर्स। क्या मेरे को बताओगे डायरेक्टर्स कौन होते हैं?
एक कंपनी में दो लोग होते हैं, एक होते हैं शेयर होल्डर और एक होते हैं डायरेक्टर। शेयर होल्डर कौन होता है सर? जो कंपनी में पैसा लगाता है। और डायरेक्टर कौन होता है? जो कंपनी को चलाता है। क्या शेयर होल्डर ही डायरेक्टर बन सकता है? हाँ, पर सर यूजुअली शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर नहीं बनाते, यूजुअली नए लोगों को डायरेक्टर में लाया जाता है। ऐसा ऐसा क्यों सर? क्यों ऐसा? ओके सर, मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा क्यों? समझो हम सब लोगों ने मिल करके हमने कंपनी बनाई। अब ऐसा कंपनी बनाने के लिए हमने बोला सबको 1000 रुपए जोड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने सबने जोड़ा और हमने 1,00,000 रुपए की कंपनी बना दी। अब एक बात समझो, 1,00,000 रुपए की कंपनी तो बन गई, पर अब इस कंपनी को चलाना है। अब अगर सारे शेयर होल्डर बोलेंगे मैंने पैसा लगाया, मैं चलाऊंगा, तुमको लगता है कंपनी में कोई डिसीजन हो पाएगा? सवाल यह कि कंपनी को स्टॉक खरीदना है क्या? तुमसे पूछे, तुमने बोले हाँ देख लो मेरे को नहीं पता, तो कंपनी चला पाओगे तुम लोग सब मिलके एक साथ? नहीं सर। तो हम लोग क्या करेंगे? हम ही लोगों में से या बाहर के कुछ अच्छे लोगों को लाएंगे और कंपनी के डायरेक्टर में बैठाएंगे, और हम क्या बोलेंगे? तुम लोग कंपनी चलाओ। अब सर डायरेक्टर कौन बैठाएगा? खुद से आके बैठ जाएगा क्या? नहीं, तुम्हारी कंपनी है ना, तुमने पैसे लगाए हैं ना। कंपनी अगर ऊपर जाएगी तो तुम्हारा फायदा, पर नीचे जाएगी तो तुम्हारा नुकसान। तो शेयर डायरेक्टर कौन सिलेक्ट करेगा? तुम लोग बताओगे कि कौन इंसान डायरेक्टर बनेगा, और वो डायरेक्टर जो है वो क्या करेगा? कंपनी को चलाएगा। रिलायंस को कौन चलाता है सर? रिलायंस को चलाने वाले एक बार गिनती करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, देयर आर 14 डायरेक्टर्स हु रन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसमें से एक डायरेक्टर कौन है? मुकेश अंबानी है। उसके अलावा सर आप देखोगे आदिल दुजुल, रमिंदर सिंह गुजराल, हर्ष गुजराल, सुमित बैनर्जी, अरुण धत्ती भट्टाचार्य, बस देख लो नाम, देख लो एक बार और उड़ाओ नहीं, देखो हिज एक्सीलेंसी असीर केवी चौधरी, केवी कामत, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, डमरू सिंह अंबानी, इसकी शाह, इसको जानते थे तुम पहले? पहले मैं नहीं जानता था ढंग से, इतना एक साल में जितना मैंने इसको जाना है ना, कसम से मैं अपने बाप रे, जाने दो, सुनो कल क्लास ना हो तो तुम समझ जाना, या तो मेरे को उठा लिया गया है या ये मेरे ऊपर बैठ गया है। सॉरी। इधर देखो क्या लिखा है, निखिल मेशवानी, हीतल मेशवानी। सर ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। मैं आपको कुछ दिखाता हूं, ये देखो सर, निखिल मेशवानी के नीचे क्या लिखा है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हीतल मेशवानी के नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है सर। तो यहां पे पीएमएस प्रसाद के नीचे क्या लिखा है? देयर इज नो वन इन योर एग्जीक्यूटिव। हां भाई ठीक है, पीएमएस प्रसाद के नीचे क्या लिखा है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर तीन जगह क्या लिखा है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ऊपर जाओगे इन योर कॉन्टैक्ट्स नेम्ड पीएमएस प्रसाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हुज कॉन्टैक्ट इन्फो आर यू लुकिंग फॉर? नॉन एग्जीक्यूटिव, इसको छोड़ दो, अब इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। इधर देखो, ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव है, हुज कॉन्टैक्ट इन्फो, ये भी सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मालिक लोग नॉन एग्जीक्यूटिव है, ऊपर देखो ये तो मालिक भी नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन योर कॉन्टैक्ट्स नेम्ड, ऊपर क्या लिखा है सर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और यहाँ पे मुकेश अंबानी के नीचे देखोगे तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा है, पर नीचे ये आदिल भाई का देखोगे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब कुल मिला के तीन चीजें लिखी है, एक क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और एक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर तीनों का मतलब समझना, डायरेक्टर तीन प्रकार के, पहला कौन? एग्जीक्यूटिव। सर क्या एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो एग्जीक्यूट करता है, मतलब जो कंपनी में दिन रात क्या कर रहा है? काम कर रहा है। क्या कर रहे हैं? दिन रात काम कर रहे हैं। मतलब ये वो डायरेक्टर्स हैं जो रोज ऑफिस आते हैं, जो कंपनी के पेरोल पे, कंपनी के पेरोल मतलब कंपनी में सैलरी लेते हैं और पूरा दिन रात काम करते हैं। मतलब सर ये जो तीन लोग हैं ना, निखिल मेशवानी, हीतल मेशवानी और पीएमएस प्रसाद, ये तीन लोग सिर्फ रिलायंस में काम कर रहे हैं, रिलायंस के अलावा कहीं पे भी और काम नहीं कर सकते, ये फुल टाइम लोग हैं। पर सर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं ना, ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, इनका क्या काम होता है सर? सर मैं आपको ना तीनों का डिफरेंस लिखवाऊंगा, आप सिर्फ सुन लो। सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? ये वो डायरेक्टर्स होते हैं, सुनना,
जो सिर्फ पॉलिसीज बनाते हैं, ये कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में, मतलब रोजमर्रे के काम में इन्वॉल्व नहीं होते। ये क्या होते हैं, बोर्ड मीटिंग में आते कोट सूट पहन के और बोलते हैं ये ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो और फिर चले जाते हैं। तो सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं, जो बैठ करके सिर्फ ज्ञान देता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं, जो उस ज्ञान को एग्जीक्यूट करता है। और सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ टाइप ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओनली। मतलब इवन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोज के काम में इन्वॉल्व नहीं होता, पर उसको इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं सर? अच्छा सर इंडिपेंडेंट क्या होता है, मैं आपको एक फील से समझाता हूं, लिटरल क्या छोड़ दो, एक फील समझो। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या मुकेश अंबानी रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं? मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा, मेरा बस एक सवाल है, क्या मुकेश अंबानी रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? नहीं सर, वो रिलायंस पे और रिलायंस उस पर डिपेंडेंट है। क्या अनंत अंबानी रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं? नहीं सर, उसके सगे पापा है और उन्हीं की कंपनी है, तो कल को कंपनी आनी अनंत अंबानी के पास ही है, वो डिपेंडेंट है। सर मैं रिलायंस में काम करता हूं और मेरे को 1 करोड़ की सैलरी आती है रिलायंस से, क्या मैं रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं? नहीं भाई, मैं डिपेंडेंट हूं, 1 करोड़ की सैलरी आती है ना मेरे को, वो रोक देगा तो? सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब वो होता है जो रिलायंस के इशारों पे नहीं नाच रहा, जो जिसको रिलायंस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और यहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में, जैसे आप ये नाम देखो कौन है एक इंसान यहां पे, ये देखो हिज एक्सीलेंसी यासीर डॉट डॉट डॉट, ये जो बंदा ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा करोड़पति है भाई, ये अपने आप में बहुत बड़ा करोड़पति है, उसके नाम के आगे हिज एक्सीलेंसी लगाए, मेरे को पता नहीं पर ये कहीं का राजा वाजा है सही में है। तो सर ये जो हिज एक्सीलेंसी है ये बड़ा आदमी है, इसको इंडिपेंडेंट क्यों बनाया पता है? सुनना मेरी बात ध्यान से, सत्यम स्कैम हुआ था, सत्यम स्कैम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमने देखा कि यहां रामलिंगम राजू बैठा है, यहां उसका भाई बैठा है, यहां उसका साला बैठा है, यहां ये बैठा है, यहां वो बैठा है, ये सब लोग बिक गया था, ये सब लोग बिक गए थे, इसलिए ये लोग बोर्ड मीटिंग में बैठ के फ्रॉड का डिस्कशन कर रहे थे। और कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं था जो बाहर जाके चिल्ला के बोल सके कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, क्यों? सब बिक गए भाई, आधे लोग या तो रिश्तेदार है या आधे लोगों को पैसा पहुंच गया घर। इसलिए हमने बोला कि हमको ना कंपनी में कुछ ऐसे लोगों को बैठाना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो इंडिपेंडेंट है, जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम क्या होगा बताए, कल को कुछ भी फ्रॉड हुआ ना पब्लिक को सबसे पहले आके ये लोग बताएंगे। ये कब बनाया हमने, सत्यम स्कैम के भी पहले ये प्रोविजन था पर इसको इतनी इज्जत नहीं दी जाती थी। अब क्या बोलता है पता है, अब आपको देखोगे कि लगभग 50% लोग ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। मतलब अगर इस कंपनी में 14 लोग हैं तो 7 लोग क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, मतलब जिनका कोई काम नहीं है, जिनका काम है बस बैठ करके देखो कि ये लोग गलत छलत तो नहीं कर रहे। और सर सुनो, अगर एक कंपनी है और उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अब सर मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पता चल गया फ्रॉड के बारे में, आपका नाम क्या है, लक्षित कि लक्ष्य, लक्षित, लक्षित सर, लक्षित है। मान लो सुनो मेरी बात, मेरी कंपनी में लक्षित को मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना लिया, अब हमारी कंपनी के एक फ्रॉड के बारे में लक्षित को पता चल गया, उसने बोला मैं जाके बता दूंगा, मैं बोला जाके बता दे कोई बात नहीं, तेरा बेटा 1 बजे स्कूल से छूटता है और शाम को 4 बजे ट्यूशन जाता है, 7 बजे वापस आता है, आपकी वाइफ सुबह 10 बजे यहां पे काम करती है, आप जाओ बता दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, क्या होगा फट जाएगी, जाके बताएगा क्या? नहीं, पर अगर वो यहां पे कंटिन्यू करेगा तो वो फंस जाएगा। तो अब क्या क्या उपाय है सर उसके पास, वो कुछ नहीं कर सकता, वो चुपचाप रिजाइन करके चला जाएगा। क्या करके चला जाएगा, रिजाइन करके चला जाएगा। और हम लोग इतने स्मार्ट है ना कि अगर किसी भी कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन किया, हम 2 दिन में उसके स्टॉक को तोड़ देते, हम बेच देते, हम बोलते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने छोड़ा ना, कुछ तो फ्रॉड है भैया, क्योंकि हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाहर आ गए। अरे मुकेश अंबानी से पंगा लोगे, हाँ मुकेश अंबानी से पंगा लोगे, मतलब तुमने मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अपना एलओडी जी के वो सबसे पंगा लिया तुम लोगों ने, ऐसा कर सकते क्या इंडिया में रहने के लिए? तुमको पंगा लेना है तो तुमको इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो छोड़ने की जगह तुम क्या करते हो, कंपनी रिजाइन कर देते हो। और इंडिपेंडेंट सत्यम स्कैम में भी क्या हुआ था पता है, सत्यम स्कैम में जिस दिन ये लेटर आया उसके 2 महीने पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिजाइन करना शुरू कर दिया था, तभी स्टॉक मार्केट को हल्का हल्का पता चल गया था क्या हो गया, कि भैया क्रैश आने वाला है।
पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल समझे तुम? हाँ सर। तो कुल मिला के दो डायरेक्टर होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम क्या है? ऑफिस में आना, रोज काम करना, डे टू डे अफेयर संभालना। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या काम होता है? पॉलिसी मेकिंग। और नॉन एग्जीक्यूटिव में ही एक तरह का डायरेक्टर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अरे समझे क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? सर ये सब कॉन्सेप्ट रेलेवेंट है आपके लिए। इनके बिना कंपनीज एक्ट नहीं पढ़, जिनके बिना कंपनी नहीं चलती उनके बिना कंपनीज एक्ट कैसे पढ़ लोगे? ठीक है सर, ये देखो सब गए, ठीक है हो गया। इधर आ जाओ सर, कुछ देखते हैं। ये क्या है? पढ़ो क्या लिखा है। बोर्ड मीटिंग। सर क्या होता है बोर्ड मीटिंग? ये जो मैंने कहा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पॉलिसीज बनाते हैं, कब बनाएंगे? सर इसके लिए इन लोगों को मिलना पड़ता है और करीबन करीबन साल में कम से कम चार बार मिलते हैं। साल में कितनी बार मिलते हैं? चार बार मिलते हैं। तो आप देखो ये है बोर्ड मीटिंग और यहां पे लिखा है नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग। क्या लिखा है? इन द फाइनेंशियल ईयर 7 बोर्ड मीटिंग्स वर हेल्ड एज अगेंस्ट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ 4 मीटिंग्स। लॉ कहता है चार बार मिल लो, हम उसकी जगह कितनी बार मिले हैं? सात बार मिले। और नीचे इन्होंने एक एक डायरेक्टर का अटेंडेंस दिया है कि कौन ये मीटिंग कब कब हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और कितना अटेंडेंस रहा है और परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, कौन पूरा आया है कौन नहीं आया है, एक एक छुट्टी मारा है, वो सब दिया हुआ है। क्यों सर? ये सब किसके लिए बन रहा है पता है? आपके लिए। कि शेयर होल्डर को पता होना चाहिए कि मीटिंग में कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। अरे देखो 100% अटेंडेंस दे रहा मुकेश अंबानी, तो सोचो बोर्ड मीटिंग की क्या वैल्यू होती होगी। बोर्ड मीटिंग में मुकेश अंबानी कितना परसेंट अटेंडेंस दे रहा है? 100, एक भी मिस नहीं किया है। बाकी कभी किसी का हेल्थ इश्यू हो गया, कुछ हो गया, आप मीटिंग अटेंड नहीं कर पाओगे, पर सर पूरा डिटेल दिया जाता है। अरे समझे क्या? सर ये क्या है? व्हाट इज दिस बोर्ड मीटिंग? बोर्ड मीटिंग क्या होता है सर? जब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलते हैं। इन्होंने कितने बार मिले सर साल में? आ जाओ सर। रेम्यूनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मेरा आपसे पहले एक सवाल है, इधर देखो सर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था निखिल मेशवानी और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था अनंत अंबानी। मेरा एक सवाल है, सैलरी किसकी ज्यादा होगी? अनंत अंबानी की? एग्जीक्यूटिव की? क्यों सर? क्योंकि वो काम करता है। पर ये कब से हो गया कि पॉलिसी बनाने वालों की सैलरी कम और काम करने वालों की ज्यादा? सर ये कोई नॉर्मल ऐसा नौकर नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। मतलब ये बहुत सीनियर लेवल का बंदा है जो रोज रोज काम संभाल भी रहा है। इसकी सैलरी कितनी होती है पता है? इधर देखो, मुकेश अंबानी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, निखिल मेशवानी, हितल मेशवानी, पीएमएस प्रसाद, ये चार लोग का देखो सर, देखो सैलरी क्या लिखी है। सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स कमीशन पेबल 25 करोड़, 25 करोड़, 17 करोड़, और ये लास्ट में कुछ है वो छोड़ दो, 25, 25, 17 करोड़। सर ऊपर आप देखो यहां पर मुकेश अंबानी कितना सैलरी लेता है? नील, सोच रहे हो कितना दयालु है, कंपनी से पैसे नहीं निकालता। उसके दो कारण है, पहला निकाल के रखेगा कहां, उसको बैंक बोलते हैं कि सर हमारा अकाउंट फुल हो गया आप रहने दो। दूसरा सर जब आप कंपनी से पैसा निकालते हो तो टैक्स लगता है, जब उसको काम ही नहीं है तो वो क्या करेगा? पूरा तो कंपनी के खर्चे पे चल रहा है, पूरे डमरू की शादी कंपनी खरीदी और क्या करेगा पैसा निकाल के, 12 करोड़ का 15 करोड़ का सैलरी निकाल के 5000 करोड़ का थोड़ी खर्चा करेगा, वो तो क्या कंपनी का एक्सपेंस दिखा दो। तो ये एक भी सैलरी नहीं लेता है। और बाकी कौन लोग लेते हैं सर? ये आपका निखिल मेशवानी, हितल मेशवानी और पीएमएस प्रसाद 25 करोड़ की। पर उसके सामने अगर आप देखोगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, तो उनका देखो सैलरी का रेंज कैसा, 2-2.5 करोड़ तक का सैलरी है, 1 से 2.5 करोड़। मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 1 से 2.5 करोड़ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 25 करोड़। इसमें देखिए सर हमारे भैया जी का 1 करोड़ रुपए साल का कमाते हैं, इससे ज्यादा तो हमारे जय सर है, जय सर कमाते हैं, पर शादी रखी थी ना तुमने। चलो सर ये क्या क्या, ये आपका रेम्यूनरेशन की बात हो गई। इससे आपको क्या समझ आया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट टू द कंपनी बिकॉज दे आर एक्चुअली रनिंग द कंपनी। और मैं आपको बताऊं इनकी ना सैलरी कम हुई है, ये पेपर पे है, इनको बोनस मिलता है 30-40 करोड़ का अलग, मतलब ये लोग साल का 60 से 70 करोड़ कमाते हैं। और सोचना यार, रिलायंस को चलाने वाला बंदा नहीं कमाएगा तो कौन कमाएगा? जो बंदा रिलायंस में दिन रात काम कर रहा है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो अगर 60-70 करोड़ नहीं कमाएगा तो कौन कमाएगा? तो ये लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। अब सर आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
प्लीज सर ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। एनुअल जनरल मीटिंग सुना है कभी इसके बारे में? ये किसकी मीटिंग होती है सर? शेयर होल्डर की। शेयर होल्डर की दो तरह की मीटिंग होती है, पहली एनुअल जनरल मीटिंग, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आज मैं आपको कुछ भी समझा नहीं रहा। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि मैंने एक गाना सुना मेरे को पसंद नहीं आया, फिर मैं कहीं मॉल वॉल में घूम रहा था तो वो गाना वहीं पे स्पीकर में बज रहा था तो हल्का हल्का लगा, अरे कहीं तो सुना हुआ यार। फिर तीसरी बार सुना तो मेरे को लगा ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। चौथी बार में तो मेरे को आदत हो गई मैं खुद से बजा के सुन रहा हूं। ऐसा होता है कभी? नहीं सर, हमने इतना नोटिस नहीं किया। हो गया होगा, हमको पता नहीं चला होगा, पर ऐसा होता है। तो अभी आप क्या कर रहे हो? सारी चीजें बस एक बार ऊपर ऊपर से सुन रहे हो। जब अगली बार कभी आएगा कि अरे एजीएम, तो तुम बोलोगे हाँ ये तो अपना है, अपने को तो पता है एजीएम क्या होता है। तो आराम से सुनो सर एजीएम क्या होता है। जैसे आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलता है ना, उसको कहते हैं बोर्ड मीटिंग, वैसे ही आपके शेयर होल्डर्स भी मिलते हैं और उनको कहते हैं जनरल मीटिंग। क्या कहते हैं? जनरल मीटिंग। सर एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या मेरे को एक गेस करके बता सकते हो एनुअल जनरल मीटिंग साल में कितनी बार होता होगा? एनुअल भाई साल में एक बार होता है, जब आपका पूरा साल खत्म हो जाता है ना। मान लो इमेजिन करो तुम्हारी कंपनी है, तुमने पैसा दे दिया है और हम लोग स्टेज पर 8-10 लोग हैं, हम लोग मिलकर के कंपनी चला रहे। अब हमको साल में एक बार तो भी तुमको बताना पड़ेगा ना कि पिछले साल हमने कैसा परफॉर्म किया, हमारा प्रॉफिट कैसा था नहीं था। तो उसके लिए हम क्या बुलाते हैं सर? एजीएम। तो हम क्या नोटिस भेजते हैं? हजरात 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 हमारी कंपनी का जनरल मीटिंग है, आप लोग अगर चाहे तो आप लोग मीटिंग में आ सकते हैं। और उस मीटिंग में हम आपको क्या बताते हैं कि पिछले साल हमारी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, हमारी प्रॉफिट कितना बढ़ गया, रेवेन्यू कितना बढ़ गया, हमारी कंपनी का विजन क्या है, ताकि आपको क्या है कॉन्फिडेंस कि हाँ भैया मेरा कंपनी जो है सही लोगों के हाथ में है। सर ये देखो इन्होंने एजीएम किया था, कब किया था? 28 अगस्त। नहीं नहीं ये एजीएम का नहीं, ये एजीएम का ये रहा। अच्छा ये पिछले, अच्छा ये करेंट ईयर का नहीं है, पर लेटेस्ट वाला आपको दिया हुआ नहीं है। आपका जो 23-24 था ना, उसका एजीएम अभी होता होगा अगस्त में। नहीं नहीं इसका हो चुका होगा मई में या जून 2024 में आपका एजीएम हो चुका होगा। ये किसका है? ये पिछले साल का डेटा दिया हुआ है, क्योंकि जब ये रिपोर्ट आया था तब तक एजीएम हुआ नहीं था। पर सर साल में एक एजीएम होते हैं, एक 2023 में हुआ, एक 2022 में हुआ और एक 2021 में हुआ। इस तरह का पूरी चीजें बताई गई है। सर सर व्हाट इज एजीएम फुल फॉर्म बताओ? एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है सर, सर वेरी इंटरेस्टिंग बट लास्ट थिंग, हर एक कंपनी का ना, आपने बचपन में पढ़े सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। सब्सिडियरी मतलब मोर देन हाफ, एसोसिएट मतलब 20%। तो सब्सिडियरी मतलब आधे से ज्यादा कंट्रोल आपके पास है और एसोसिएट मतलब 20%। एक तुक्का मार के बताओ रिलायंस के किस, एक बार तुक्का मार के बताओ रिलायंस के कितने सब्सिडियरी होंगे? लॉजिकली भाई लॉजिकली, मैडम ने बोला 150। एनीवन 151 152 350। ठीक है भाई इतना बिडिंग में थोड़ा 10-10 रुपए बढ़ाने होते हैं, 150 से सीधा 350 ले गए। सर ये देखो लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज है, इनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। जहां इन्होंने बोला हम सब्सिडियरी कंपनी के बारे में बताएंगे, इन्होंने शुरू किया, इन्होंने बोला अल्फाबेटिकली अरेंज कर देते हैं ढूंढने में तकलीफ ना जाए। तूने मेरा बिड एक बार में खराब कर दिया, 200 बोलता 250 पे आते, पर सर कितने हैं? 360। एक बार रुक के सोचो कि एक कंपनी है उसके 360 ऐसे कंपनी है जिसका वो आधे से ज्यादा शेयर होल्ड करता है, और मैं बताता हूं 150 तो ऐसे होंगे जो उसके पूरे 100% होल्डिंग है, जिसको हम क्या कहते हैं होल्ली। सुना है कभी तुमने होल्ली ओल्ड सब्सिडियरी? क्या मतलब है सर? जहां पे मेरा 100% होल्डिंग हो। तो सर आप देखो 360 कंपनी से जो क्या है सब्सिडरी, मतलब तुम सोचो यार एक बंदा क्या लेवल पे चला रहा है, मतलब इकलौता बंदा मुकेश अंबानी क्या लेवल पे कंपनीज रन कर रहा है, जहां पे एक कंपनी के नीचे 360 कंपनी है, हजारों तरह के बिजनेस है और सब में प्रॉफिट और 70,000 करोड़ का प्रॉफिट। इट इज नॉट एन ईजी थिंग टू डू बॉस। हम लोग दिन में 8 घंटा पढ़ के सोचते हैं बहुत हो गया, ओ माई गॉड
8 घंटे पढ़ ली मैंने आज, इनकी हालत देखो। बट सर इट डजंट हैपन ओवरनाइट, इट टुक इयर्स फॉर देम टू रीच हियर। बट सर ये 360 सब्सिडरी के बाद ये देखो लास्ट चीज सर, लास्ट में एक बार ऊपर से देख लो, ये आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक सेकेंड श्रीधर जय सर आने वाले, चेक कर ले एक बार, नहीं तो मैं 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, मेरे पास टाइम है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इधर सुनो मेरी बात ध्यान से। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में देखो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ये कौन हो गया, ये मुकेश अंबानी। सर ये ना सबसे बड़ी कुर्सी होती है, आपने कोविड के टाइम पे वो देखा है महाभारत, कोई भी टाइम पे महाभारत देखा है, उसमें याद है वो महाराजा लोग एक ऊपर वाले कुर्सी में बैठते थे, बाकी प्रजा पूरी साइड में बैठती थी। ये जो महाराजा है ना, ये वो कुर्सी है चेयरमैन का और मैनेजिंग डायरेक्टर का। सर बीच में ना एक लॉ आया था, पता है आपको 2021 में एक लॉ आया था कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही बंदा नहीं हो सकता। तो मुकेश अंबानी जो था वो तब भी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, पर एक लॉ आया कि अब से चेयरमैन एक अलग इंसान बनेगा और मैनेजिंग डायरेक्टर एक अलग इंसान बनेगा। ये लॉ मुकेश अंबानी तक पहुंचा। 2022 में अमेंडमेंट आया कि कोई बात नहीं कर सकते हो, एक बंदा चेयरमैन और एक बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर रह सकता है, कोई इतनी बड़ी दिल में लगाने वाली बात नहीं थी। तो इन्होंने क्या कर दिया, रिवर्स। और ये उन्होंने ये भी कहा कि इस एक साल में भी अगर आप चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साथ में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जो बनाए थे उसको भूल जाओ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो अब मुकेश अंबानी क्या है सर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, समझे। हमको लगता है मोदी जी चला रहे हैं भारत, हमको लगता है बाकी लोग चला रहे हैं भारत, असली गेम तो आगे देखो सर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 11 ऐसे लोग जो काम नहीं करेंगे। एग्जीक्यूटिव 1, 2, 3, 3 ऐसे लोग जो काम करेंगे। क्या समझ रहे हो सर तुम, काम करवाने वाले 11 लोग और काम करने वाले 3 लोग, और इनके नीचे पूरे एम्प्लॉइज की, पूरी एम्प्लॉइज की टीम, पूरी रिलायंस की टीम। और सर टीम में ना अभी भी देखो ये बड़े बड़े लोगों में ना कहीं सीईओ सीएफओ नहीं आया है, सीईओ अलग होता है सीएफओ अलग होता है, तो इसलिए इसके नीचे देखो सीएफओ का नाम लिखा है, कंपनी सेक्रेटरी का नाम लिखा है, और उसके अलावा सीएफओ लिखा है, कंपनी सेक्रेटरी लिखा है, सर सीईओ का नाम नहीं लिखा है, क्यों? सर सीईओ कौन होता है कंपनी का, जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है कंपनी चलाने के लिए, पर हमारे पास है ना हाईएस्ट लेवल, हमारे पास है ना, इसके ऊपर कोई और है क्या, नहीं ना। तो यहां पे एक ऐसा सीईओ नहीं है जो सारे कंपनीज को चला रहे, हर एक छोटे छोटे बिजनेस का अलग अलग सीईओ है, पर सबका राजा कौन, मुकेश अंबानी। इसके नीचे सर एक और शब्द लिखा है, क्या है, कौन है सर ये, सॉरी तुम्हारा अभी हुआ नहीं, तुम्हारा 3 साल के बाद। सर ऑडिटर मतलब कौन, सर ऑडिटर होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एन ऑडिटर। सर एक सीए जो होता है वो ऑडिटर बनता है, रिलायंस के ऑडिटर देखो कौन है, डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और दूसरा चतुर्वेदी एंड शाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक ये है और एक ये है, कितने ऑडिटर है सर, सुन लो, तुमको फर्स्ट डे पे ये बात बताना कि एक कंपनी में कितने ऑडिटर है, 2। तुमको ये भी ढंग से नहीं पता कि ऑडिटर क्या होता है, और मैंने क्या बोला कितने ऑडिटर है, 2, एक कौन हो गया आपका डेलॉयट और दूसरा कौन हो गया चतुर्वेदी एंड शाह। तो सर इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए मेरी बात सुनो सर, आज के लिए ना तो मैं आपको कोई होमवर्क देने वाला हूं, ना ही मैं आपको कोई चीज रिवाइज करके आने बोलने वाला हूं, आज के लिए मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखो सर आने वाले, ठीक है, मैंने क्या कहा मेरी बात ध्यान से सुनना सर, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ी, आज हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ी जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंस रखती हो। आज हमने सबसे पहले यह समझा कि हमारा कोर्स कितना है, मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉ, और कॉर्पोरेट लॉ में कंपनी लॉ जो हमारा 60 मार्क का है, जो हमारा पहला फोकस रहने वाला है। उसके बाद मैंने आप लोगों को यह बताया कि एक लॉ और एक्ट में फर्क क्या होता है, कैसे लॉ कितना ब्रॉडर टर्म होता है, और उसके अंदर लॉ एक्ट रूल्स केस लॉज ये सब मिला के क्या बनता है, लॉ बनता है। फिर मैंने आपको बताया एक एक्ट पिक्चर में कैसे आता है, मैंने आज आपको यह नहीं समझाया रूल्स क्या होते हैं, मैंने आपको यह नहीं समझाया बाकी चीजें, मैंने क्या बोला एक रूल एक्ट रूल सब मिला के लॉ बनता है, और एक्ट पिक्चर में कैसे आते हैं, पहले बिल होता है लोकसभा राज्यसभा
प्रेसिडेंट और उसके बाद ऑफिशियल गैजेट, और उसके बाद मैंने आप लोगों का कंपनी लॉ में मैंने आप लोगों को सीधा कहां पे लेके आया, रिलायंस के रिपोर्ट में, जहां पे मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक चीजें बताई कि रिलायंस के रिपोर्ट में क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सैलरी कितनी होती है इनकी, शेयर होल्डर की मीटिंग कैसे होती है, और मैंने आपको ऑडिटर के बारे में बहुत ना के बराबर चीजें बताई है। पर समझो ये कि हम लोग थोड़ा 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 करके सारी चीजों को टच करेंगे, बहुत ज्यादा हमको अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। पर एट द सेम टाइम आज ना तो आप घर जाके रिवाइज करने की जरूरत है, आपको बुक भी खोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग पुणे में जो लोग नए आए हो आप लोग सेटल हो जाओ, और जो घर वाले भी है तुम भी हमारे मेथड से मेथोडोलॉजी से सेटल हो जाओ, दो दिन तीन दिन आपको सेटल होने के लिए लगेगा। पर उसके बाद आप समझ करके चलो आज और कल परसों संडे है, एक वो संडे ले लेना तुम पूरा पूरा अपना माइंडसेट बनाने के लिए सेटल होने के लिए, पर मंडे से ना आप लोग उसी एनर्जी से बैठना कि सर अब आप अपनी गाड़ी को सेकंड गियर में और धीरे धीरे थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके सिक्स्थ गियर पे ले आओ। अभी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अभी आप पे प्रेशर नहीं होने वाला, बट दिस इज जस्ट द स्टार्ट, यू हैव टू गेट हैबिचुएटेड ऑफ द थिंग्स। घर में रहने का, खाने का, कपड़े धोने का, ये सब चीजें जो तुमको सॉर्ट आउट करनी है वो सॉर्ट आउट कर लो, पर धीरे धीरे संडे तक सेटल हो जाओ। यूट्यूब वाले बच्चों मैं तुमको बता दूं, तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर लेक्चर कहां होगा क्या होगा कुछ नहीं, अगले पांच दिन तक यही इसी चैनल पे यूट्यूब पे मिलूंगा, बस यहां आ जाना। धीरे धीरे मेरी जिम्मेदारी है आप तक कम्युनिकेट करना कि किस तरीके से आपको एक्सेस मिलेगा। फेस टू फेस वालों आपको अगले पांच दिन तक बैकअप नहीं मिलने वाला, क्यों सर यूट्यूब पे है ना, यही पांच लेक्चर है तो ये ओपन है, पांच दिन के बाद जो है आपका बैकअप एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर कहीं आप बाहर जा रहे हो या बाहर से आने वाले हो तो आप लोग जो है ऑनलाइन देख सकते हो, मतलब अगले पांच दिन का सवाल का जवाब एक ही है यूट्यूब पर। मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आज अगर आपको मेरा डेमो अच्छा लगा क्या जमा थोड़ा, ठीक कर लेगा बंदा, संभाल लेगा, इसके बस का लग गया तुमको डेमो, क्या वैसे क्या क्या इवैल्यूएट किया, रेटिंग दी क्या तुमने, हाँ कम्युनिकेशन, नॉनवेज जोक साथ जीरो कर जीरो, हाँ सर जो भी आप लोगों ने किया, जो भी आप डिसाइड करो, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बुक्स ले लो ताकि मैं आपको कल के जो मैं क्लास में चीजें जो भी मैं तुम लोगों को क्लास में लिखवा करवाऊंगा, मैं आपको उसका क्वेश्चन बैंक से एक होमवर्क देना चाहूंगा या क्लास में डिस्कस करना चाहूंगा। तो फटाफट अपने बुक्स ले लो, और ऑनलाइन वालों भाई डेमो डेमो हो गया, ऑर्डर करोगे तो सात दिन लगेंगे पहुंचने के लिए, ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्लोज करो। बट हैविंग सेड दैट, आई रियली होप यू एंजॉयड टुडेस क्लास, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बस एक सेकंड रुक जाओ, हाय मैम, बस एक सेकंड रुक जाओ, कुछ सर का मैसेज आया क्या देख लूं मैं। हाँ हाँ कर लो, पैक कर लो, चलो भाई सुनो मेरी बात ध्यान से। सर इसके बाद आपके डायरेक्ट टैक्स की क्लास है जो 10:45 से शुरू होगी, और उसके बाद शाम को 2:30 बजे आपका अकाउंट्स का क्लास है जय चावला सर का। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो यहां पे बैठे डेमो डेमो जो खेल रहे हैं, आज तुम यहीं का डेमो देखो, ठीक है, उसके बाद तुम सेकेंड हाफ कल परसों जो तुमको जहां नाचना हो, पर आज तुम यहीं का डेमो देखो, आज बैठो आराम से, क्योंकि सर आज आप एक जगह बैठोगे ना तो आपको एक जगह का रिदम भी समझ आएगा कि यार एक ही जगह सीट कंफर्म होना, जगह कंफर्म होना, ये सबका भी एक एडवांटेज होता है, वो आपको समझ आएगा। तो आज आप लोग देखो पूरा डेमो, और वैसे भी सारा बेसिक ही होना है, कुछ आपका कुछ खास मिस होगा नहीं कहीं का भी, तो आप लोग आज यही बैठोगे। बाकी मैं आप लोगों से कल मिलूंगा सुबह 8 बजे, जिस एनर्जी से आज 7:30 बजे पहुंच गए उसी एनर्जी से 7:30 बजे पहुंच जाना। मैं देखता हूं धीरे धीरे आप 7:30 की जगह 8 आते हो, फिर 8 बजे के बाद धीरे धीरे नहाना बंद होता है, फिर एक हफ्ते लास्ट के एक हफ्ते में तो मुंह धोके भी नहीं आते हो, सीधा उठ करके बोले हाँ आ गए सर, हाँ आ गए। तो भैया ये सब अपने को नहीं करना है, जिस डेडिकेशन से आज क्लास शुरू किया है उसी डेडिकेशन से अपने को लास्ट डे तक जाना है। चलो मेरे साथ पक्का, चलो गाइस थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन, आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग एट 8 AM, अंटिल देन टेक केयर, दिस इज योर सीए पति शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ, बाय 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 गाइस, हैव अ गुड डे, बोलो मैम।